हेलो वेलकम। चलो बेटा शुरू करते हैं क्लास आज की बार फिर से। देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है उपसहसंयोजन यौगिक। जी हाँ, उपसहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप इसे बड़े प्यार से संकुल यौगिक भी कहते हो। देखो पिछले क्लास में हमने आपको एक बेहतरीन चैप्टर डी ब्लॉक, जी हाँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व उसका हम लोग कर चुके हैं रिविजन। आज की इस लेक्चर में ये भी वन शॉट होने ही वाला है। और आज जो है मैं आपको उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट रिवीजन आने वाले कुछ मिनटों में, यानी कि आप कह सकते हो 60 मिनट हो सकता है या 90 मिनट भी ये लेक्चर जा सकता है ना, यानी जितना कुछ आपके बोर्ड में आएगा वो सब कुछ को मैं इसी लेक्चर में, इसी कंप्लीट लेक्चर में एक्सप्लेन करके आपको सामने मैं रख दूंगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनसे बेस्ड, यानी जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं है ना, उन्हें भी यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में है ना करके दिखाऊंगा। ठीक है, और कैसे सभी कॉन्सेप्ट को आप सीखते हुए ना रिवाइज कर सकते हो पूरे चैप्टर को। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर मैं समराइज करने ही वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेक्चर को पूरे एंड तक देखो। आपका ना इस लेक्चर को पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स होंगे ना वो सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। जहां भी आपको समस्या आती है बात होगा डिटेल में, लेकिन बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से हम लोग ना इसको कंप्लीट कर लेंगे। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा इस लेक्चर में, जो भी मैं आपको समझाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज हम लोग ये क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये जो लेक्चर है ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, चलो तो अगर आप नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो वीडियो को लाइक करने से क्या होगा ना, देखो हमें थोड़ा सा हमारे वीडियो को ना आगे रीच पहुंचने में थोड़ा सा ना हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप ना वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें है ना, जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, देखो चलो, और जो भी डाउट हो ना उसे आप लोग हमें बताएं। ठीक है, आपके डाउट को सॉल्व करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। देखो हम लोग बढ़ते आगे, और सबसे पहले जो आएगा संकुल यौगिक में आपके सामने आ गया है संकुल यौगिक। जी हाँ, इसमें क्या होगा कि हम लोग संकुल यौगिक को पढ़ने से पहले हम लोग जानते ही हैं कि एक्चुअली योगात्मक यौगिक क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आता है बताओ, योगात्मक यौगिक। देखो योगात्मक यौगिक आप ही पहले सीखिए। योगात्मक यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, ठीक है देखो एडिशनल कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट। जी हाँ, दो या दो से अधिक, देखो भाई दो या फिर क्या, दो से अधिक, दो से अधिक कौन से सिंपल यानी कि सरल लवण, ये क्या होते हैं किसी एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो ना कि मान लो हमारे पास क्या, देखो अमोनियम हो गया है ना, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अमोनियम हो गया सल्फेट 6H2O हो गया, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं मोहर लवण, मोहर लवण कहते हैं, मोहर लवण। देखो ऐसे हो गए ना मोहर लवण। अब ये क्या है, देखो इसमें अमोनियम सल्फेट भी है और इसमें कुछ जो ये अंश है वो जल का भी अणु। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो हमारे पास क्या, देखो एल्युमिनियम सल्फेट हो गया ना, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और कौन बताओ, हाँ अमोनियम हो गया, K2SO4 हो गया। देखो क्या इसमें अलग अलग क्या, इसमें सॉल्ट है, तो अलग अलग सिंपल सिंपल सॉल्ट जब किसी निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं और संयुक्त होकर के एक नया क्या करते हैं यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक यौगिक। ठीक है ना, योगात्मक यौगिक। जी हाँ, अब योगात्मक यौगिक जो होता है ना ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण। ठीक है, वो क्या होता है जब आप उसको जल में घोलोगे तो वो अलग अलग आयनों में क्या होगा, वो विभाजित हो जाता है, आयनों में विभाजित होता है, और अलग अलग आयनों में वो टूटने के बाद में उसका परीक्षण भी देते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट यानी कि द्वि
द्विक लवण है, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में है लेकिन वो पेपर में नहीं आता तो हमको पढ़ना भी नहीं है। उसी का दूसरा भाई जो होता है वो क्या होता है बताओ? हाँ, वो होता है संकुल यौगिक। जी हाँ, योगात्मक यौगिक का ही जो दो भाग मैंने आपसे समझाया भी आपको कि एक होता है द्विक लवण और एक क्या होता है बताओ? संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, यानी कि हमें संकुल यौगिक ही पढ़ना है डिटेल में। तो एक्चुअली होता है क्या, देखो संकुल यौगिक क्या होता है, अगर आप लोग इसकी अंग्रेजी में बात होगी तो हमसे अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बताओ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी आप इसे कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ना कह सकते हो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो क्या होगा, योगात्मक यौगिक होता है कौन? संकुल यौगिक एक योगात्मक यौगिक होता है जिसे जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित होते हैं। यानी कि संकुल यौगिक वो एडिशनल कंपाउंड होता है, वो योगात्मक यौगिक होता है जिसे अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो आयनों में तो टूटेगा लेकिन वो क्या होगा, अपने पहचान को खो देगा। ठीक है, देखो यानी कि जो अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? संकुल यौगिक या फिर आप कह सकते हो उपसह संयोजन यौगिक कहते हो। अब सुनो, ये यौगिक जो होते हैं संकुल, ये एक्चुअली करते क्या है? देखो इन यौगिकों के आयन जलीय विलयन में अपनी पहचान को बनाए नहीं रखते, ये अपनी पहचान खो देते हैं। जो इसका भाई था द्विक लवण, जी हाँ द्विक लवण, वो अपने पहचान को बनाए रखता है। ठीक है, अब देखो ये जलीय विलयन में सभी आयनों के धनात्मक परीक्षण नहीं देते। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होंगे ना, देखो आपके सामने वो कौन कौन होंगे, मान लो मेरे पास क्या, देखो उसमें मेरे पास मान लो इसमें है NH4 और Cl। ठीक है, अब यहां पर जो क्या है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आप इसके अंदर ये FeSO4 ये ले सकते हो, है ना। अब मान लो मेरे पास क्या, देखो यहां पर ये 2 लगा दो, ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम इसको देखो ऐसे लिख पाएंगे, Fe यहां लिख दिया, SO4 आपने यहां लिख दिया, इसमें ये 2 हो गया इधर, और यहां पर क्या हो गया NH4Cl2 हो गया, ये इस टाइप से भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो एक निर्माण हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं संकुल यौगिक। ठीक है ना, तो संकुल यौगिक होता है ये हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। देखो तो ये हमारा क्या होता है बताओ? संकुल यौगिक। ठीक है, अब संकुल यौगिक एक टाइप का देखो है क्या, समझो ध्यान से, किसी भी संकुल यौगिक को अगर आप समझोगे तो आपको ऐसा मिलेगा देखने को। देखो मान लो मेरे पास क्या है, यहां पर मान लो हमारे पास निकिल है, निकिल, ठीक है, देखो निकिल है, अब यहां पर मान लो CN है, ठीक है, और यहां पर बाहर यहां कुछ मिलेगा आपको देखने को, या फिर ना आप इसको यहां लिखो इधर, ठीक है, देखो इधर SO4 कर लेते हैं ना, SO4 कर लेते हैं, ठीक है, SO4। अब देखो ध्यान से, इसमें दो पार्ट है, इसमें एक तो ये पार्ट है, एक इसमें ये पार्ट है, ठीक है, इसमें एक तो होगा आयन और एक होगा संकुल। एक हमारे पास क्या होगा, देखो जो बाहर वाले होते हैं अगर आप इसको पानी में डालोगे, पानी में मान लो आपने इसको डाल दिया, पानी में क्या होगा, देखो डालते ही पानी में डालने पर Ni मिलेगा, साथ में आपको CN6 मिलेगा, ठीक है, CN6 मिलेगा। देखो SO4 पे क्या होता है बताओ? SO4 पे होता है 2-, ठीक है ना, तो इस पर 2+ आ जाएगा, इस पर क्या आएगा बताओ? इस पर 2+ आएगा, है ना, अब इस पर क्या आ गया 2+, है ना। देखो ध्यान से, तो ये क्या हुआ, ये अंदर वाले नहीं टूटेंगे, इसे हम लोग कहते हैं संकुल आयन, क्या कहते हैं? संकुल आयन, और इसे हम लोग कहते हैं सरल आयन, क्या कहते हैं बताओ? सरल आयन हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो मतलब संकुल आयन, संकुल यौगिक में दो भाग होते हैं, एक होते हैं कौन से बताओ? सिंपल आयन, और एक हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन, सरल आयन और संकुल आयन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया ये, ठीक है भाई, ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसमें अभी एक एग्जांपल अभी देखो आपको हम और लेकर के ना दिखाते हैं। मान लो हमारे पास क्या, यहां पर CO है, मान लो CO है, यहां पर क्या आ गया NH3, और ये सपोज करो हमारे पास 3 है, यहां पर Cl हो गया 2, है ना,
सीएल हो गया, चलो ठीक है ना, सिंपल। और यहां पर सपोज करो हमारे पास क्या है इसमें, पोटेशियम के टू, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक संकुल क्या है बताओ, यौगिक होता है संकुल, है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये जो बाहर वाला है इसे हम लोग कह देंगे सरल आयन, सरल आयन, ठीक है। और ये जो अंदर बाहर है इसे हम लोग कह देंगे संकुल आयन, ठीक है ना, संकुल आयन। तो आपको ना इन संकुलों को आयनों में तोड़ना भी आना चाहिए। देखो अगर हम इसे पानी में डालेंगे, पानी में, तो ये कैसे आयनों में टूटेगा। देखो ये जो इस ब्रैकेट से बाहर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल आयन। तो ये अलग टूटेगा, देखो यानी कि यहां पर जो के होता है, के प्लस में होगा भाई, आप जानते हो ना जो के होता है पोटेशियम, ये अपने सिंपल आयन के प्लस में क्या होता है, वो वियोजित होता है। तो यहां पर ये दो हमारे पास है, दो के है तो आपको दो आयन मिलेंगे। अब एक के पास में एक प्लस है तो दो के पास कितना होगा, दो प्लस होगा। तो जो संकुल आयन होगा दूसरा जो यहां से आपको मिलेगा जल के अंदर, वो आपको ये मिलेगा CO NH3 और यहां आपको इधर Cl मिलेगा, ठीक है। और इसके ऊपर दो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब लगा पता हम आयनों में तोड़ते कैसे हैं, आपको संकुल को आयनों में तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, देखो संकुल आयन, ये मैं आपको ना वियोजित करना इसलिए सिखा रहा हूं संकुलों को, क्योंकि ये आगे चल करके ना आवेश ज्ञात करने में तुम्हें आसानी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको आगे ना, हम अभी बढ़ते आगे, ठीक है भाई। मैं क्या कर रहा हूं आपको, आपको ना शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, है ना। जो मैं यहां ना आपको अभी यहां लिखवा रहा हूं, ये आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ना बनाना चाहिए, ताकि आपसे रिवाइज कर सको, ठीक है। ताकि ना पेपर से पहले भी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाऊंगा वो आप लिख पाओ, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, ठीक है, बढ़ते आगे। देखो आ जाओ, अपना एक संकुल को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या उसमें जो आप इसमें देख, अच्छा यहां पर तो CH3 तीन होगा, ठीक है ना, थ्री होगा। अब यहां पर एक संकुल को मैं ना आपको लिख के अभी देखो दिखा रहा हूं, है ना। देखो सुनो, हमारे पास देखो क्या है, मेरे पास मान लो है यहां पर निकिल है ना, निकिल, देखो ये निकिल हो गया। यहां पर सपोज तो हमारे पास में CH3 अमोनिया है, ये तीन हो गए, एक Cl है। अब सपोज करो हमारे पास यहां पर टू माइनस है, क्या बताओ, टू माइनस है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे निकिल। देखो इसमें कितने बताओ, तीन, तो इसके पास में कौन है बताओ, NH3। अब इसे कहते क्या है भी, मैं सब समझाऊंगा डिटेल में। NH3 हो गया, यहां भी क्या हो गया बताओ, NH3, सॉरी इसमें एक हमारे पास कौन है, Cl है, तो हम इसमें एक लेंगे Cl, ठीक है भाई। देखो अब ये जो है इस ब्रैकेट देखो ऐसे बन रहे, ठीक है। और यहां पर क्या बताओ, टू माइनस। देखो अब इस पूरे को हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन सत्ता, क्या बोलते हैं बताओ, उपसह संयोजन सत्ता, उपसह संयोजन सत्ता कहेंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसका एक नाम और है, वो क्या है बताओ, वो इसका नाम है समन्वय मंडल, समन्वय मंडल, ठीक है ना। अब ये जो NH3 ये Cl है इसको हम लोग कहते हैं लिगैंड, क्या बोलते हैं बताओ, हाँ। और ये कौन है बताओ, देखो यहां जो हमारे पास है ये, इसे हम लोग बोलते हैं CMA बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्या से, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम कह लो या सेंट्रल मेटल आयन भी ना आप कह सकते हो। अब यहां जो है इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु बोलते हैं, ठीक है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारे भाई साहब हो गए लिगैंड, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिखो, देखो ध्यान से, इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, ठीक है। तो लिगैंड होता है संकुल यौगिक के अंदर, और कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और ये जो होता है ये आगे चल करके जल में कितना गिर लो वियोजित नहीं होते, हम इसको आगे और नहीं तोड़ सकते, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा हमेशा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं संकुल आयन, ठीक है। अब देखो इसका बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास आता है क्या, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लिगेंड के साथ कैसे रहता है बंद बना करके, है ना, आपको ये समझना है, ये आपने ना लिख लिया होगा, ठीक है, ले लो ऐसा। देखो
यहां मेरे पास निकिल था, अब यहां जो आपने लिगेंड लिया था, ये लिगेंड इस निकिल के साथ में क्या करता है बताओ? कोऑर्डिनेशन, जी हां, उप सह संयोजन आबंध बनाता है, ठीक है ना, क्या करते बताओ? उप सह संयोजन आबंध, यानी कि यहां पर लुईस अम्ल और क्षार की वजह से एक बंध बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उप सह संयोजन आबंध। यानी कि आप यहां पर यह कह सकते हो कि इस केस में देखो, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर दो प्लस है, NH3 कितने, चार NH3 लिगेंड CMA, हम हर पूरे लेक्चर में इसको CMA बोलेंगे, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, ठीक है ना, CMA के साथ चार उपसह संयोजन, उपसह संयोजन या सह संयोजी, उपसह संयोजी आबंध द्वारा, आबंध द्वारा आबंधित है, आबंधित है, ठीक है ना, मतलब कि अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। एक चीज और सुनो, देखो मेरे पास निकिल था, निकिल के पास क्या होगा? रिक्त कक्षक होगा, और जो अमोनिया यहां पर है, अमोनिया मान लो यहां पर, देखो अमोनिया बताओ इसके पास क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं, कौन, ये वाले, इसके पास जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर क्या करता है? इसको दे देता है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में लिगेंड जितने भी होंगे, लिगेंड जितने भी होंगे, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा युग्म इलेक्ट्रॉन के, उसे दान करता है। तो ये कौन होता हुआ? ये हुआ दाता, ठीक है ना, और ये कौन होता बताओ? ग्राही, ठीक है ना, एक होता है दाता और एक क्या होता है बताओ? ग्राही, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ये होता है, ये होता है लुईस क्षार, कौन होता बताओ? इसे हम लोग कहते हैं लुईस क्षार, और ये हमारा होता है लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, क्या हुआ? दाता, अच्छा दाता हो गया, अच्छा हाँ ये है ना दाता, ये कौन हुआ? दाता स्पीसीज है ना, दाता स्पीसीज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? लेने वाला, यानी कि एक्सेप्टर, ग्राही, ठीक है। तो लुईस अम्ल क्षार की वजह से क्या होता है? हमें एक नया यौगिक मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? संकुल यौगिक, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संकुल यौगिक एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ना, इसे आप लोग कॉपी करो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। चलो भैया, हो गया ना, हो गया बताओ। अब क्या आता बताओ? अब आता है लिगेंड, क्या लिखा हुआ है? उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्दावली और उनकी परिभाषाएं, ठीक है ना। अब हमें यह सीख रहे, देखो आ जाओ। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास संकुल यौगिक होता है, उसमें कुछ शब्द होते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बताओ कौन होता है? देखो सबसे पहले हमारे पास में आता है सी एम ए, कौन आता है? सी एम ए, हम इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु, धातु परमाणु, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये कौन होता है? अभी मैंने यहां पर एक बनाया था संकुल, अब हम लेंगे संकुल कोई और, ठीक है। यहां मान लो कौन है मेरे पास में, यहां मान लो मेरे पास में है सी एन, ऐसा बोल दो सी एन, ठीक है, एक सी एन, दो सी एन, चलो यहां ना बनाते हैं ना, इधर बनाते, देखो एक सी एन इधर हो गया, एक सी एन हो गया इधर, ये मैं एक संकुल यौगिक का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना, एक इधर, एक इसमें इधर नीचे, देखो। अब ये जो संकुल यौगिक है, देखो ध्यान से, इसमें कुल कितने बताओ? छह, इसमें चारों तरफ कौन है? परमाणु का समूह है, और आप इसे लिगेंड बोलते हो, और ये कौन है? ये है सीएमए, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु
परमाणु, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? केंद्रीय धातु परमाणु बिल्कुल बीच में होता है, संकुल आयन में कह लो या संकुल यौगिक में, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने रिक्त कक्षक में स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या बोलते हो बताओ? हाँ, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन होते हैं बताओ? ये डी ब्लॉक के तत्व होंगे। कौन होंगे बताओ? डी ब्लॉक के तत्व होंगे, ठीक है ना, जो रूट केंद्र में होता है ना, केंद्र में संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक और अथवा करो अथवा आयन, अथवा आयन के, आयन के मध्य में कहां पर होता बताओ? मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। जो क्या करता बताओ? जो कि लिगेंडों, लिगेंडों द्वारा है ना दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करता है, दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकारता है, ठीक है भाई, स्वीकारता है, ठीक है ना, स्वीकार करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कौन आएगा बताओ? इसके बाद में आता है लिगेंड का, देखो तो लिगेंड का देखो, लिगेंड देखो ध्यान से, दो या दो से अधिक, सिंगल भी हो सकता है ना, आयन अथवा परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु का समूह होता है ना, समूह जो क्या करता है बताओ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजन आबंध द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। समूह जो कौन सा बताओ? उपसह संयोजी, उपसह संयोजी आबंध द्वारा, आबंध द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, उस हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? लिगेंड, है ना। तो आपको यहां पर ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो सीखनी चाहिए, वरना आपको आगे चैप्टर में ना समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो आपको एक तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है ये पता होना जरूरी है, और दूसरा लिगेंड, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो संकुल यौगिक है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक के तत्व होंगे, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक के ही तत्व क्यों होंगे, इसमें भी लॉजिकल होता है, ठीक है ना। अच्छा ये प्रॉब्लम लिख लो इसको, है ना, लिख लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके ना फिर लिख लो, ठीक है। देखो अब क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु रूप में क्यों लेते हैं, आपको ये पता होना जरूरी। देखो तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व है ना, खास तौर पर क्या कहा मैंने, खास तौर पर 3D कौन बताओ? 3D संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी के तत्व, के तत्व ही CMA के रूप में, CMA के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है ना, स्थित होते हैं। अब ये डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों होंगे? एक सुनो, एस ब्लॉक के नहीं होंगे, पी ब्लॉक के नहीं होंगे, पी ब्लॉक के तो धातु होते हैं बहुत कम है, ठीक है ना, सब अधिकतर 95% कौन होते हैं उसमें, अधातु होते हैं। तो डी ब्लॉक के तो होंगे ओनली, एस ब्लॉक के क्यों नहीं होंगे? देखो एस ब्लॉक के इसलिए नहीं होंगे क्योंकि एक तो उसका उच्च नाप के आवेश नहीं होता, उसमें रिक्त कक्षक नहीं होता एस ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक क्यों होते हैं, सुनो, डी ब्लॉक के क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के क्यों, डी ब्लॉक के क्यों, क्योंकि पहला क्या होता है बताओ, सुनो, छोटा आकार, आकार छोटा है मतलब जो बीच में आ रहा है वो छोटा आकार है, तो उसके चारों तरफ जो है ना अधिक से अधिक आयन आ सकते हैं, छोटा आकार है। दूसरा क्या है इसमें, उच्च नाभिकीय आवेग, उच्च नाभिकीय आवेग हो जाएगा,
उच्च नाभिकीय आवेश नहीं सॉरी आवेश है ना, आवेश होता है भाई सुनो, जो बाहर से लिगेंड आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी कि किसको, हाँ सीएमए को, इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसके पास रखने का भी तो शक्ति होना चाहिए। नेगेटिव वाला कहां रहेगा, पॉजिटिव वाले के पास रहेगा, तो पॉजिटिव वाले में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना उसे रखने की, होता नहीं है। तुम्हारे पास मान लो बेहतरीन उसी करने आ गई, अब तुम्हारे पास उसे रखने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। या सुना होगा तुम लोगों ने, रिलेशनशिप हो जाता है ना किसी का भी, एक शादीशुदा भावी पड़ोस की मस्त वाली किसी और के साथ किस में आ जाती है रिलेशन में, क्यों, जो उसका हस्बैंड तुम शक्ति नहीं थी, नेगेटिव को थामने की शक्ति नहीं थी, तो भाई साहब शक्ति होना जरूरी है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु का चारों तरफ मंडराएगी जब हमरे क्या बन करके, लिगेंड बन करके, तो उसे संभालेंगे कैसे, संभालने के लिए कौन जरूरी है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास प्लस आवेश जरूरी है जो उसे थाम के रखेगा, नहीं तो अपनी किशोर के पास चली जाएगी है ना। तो यह शक्ति होना जरूरी है, तो उच्च नाभ के आवेश आप रुपया पैसा नहीं समझना, ताकत होना चाहिए है ना, इसलिए भैया है ना अपने अंदर बनाए रखो तंदुरुस्ती, ठीक है भाई। तो लिगेंड हमारे पास कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा है ना, तो उच्च नाप के आवेश होगा। अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, उसके पास भी ना टिकती है जिनके पास कुछ होता नहीं है, घर द्वार अच्छा होना चाहिए तभी टिकती है। देखता ना 12th फेल मूवी, क्या कहा था भाई, एक समय अगर छोड़ के चली जाएगी जब कुछ होगा नहीं तो तेरे पास में है ना, तो होना जरूरी है क्या, रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक की, रिक्त कक्षक की उपलब्धता, उपलब्धता जरूरी है, इसमें होता है तभी तो केंद्रीय धातु परमाणु है, कभी किसी यौगिक में चार को थाम रखा है, कहीं छह को थाम के बैठा है, कहीं पांच को थाम के बैठा है, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, किसको थाम के बैठा है, लिगेंड को, ठीक है भाई आ जाओ। तो लिगेंड क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है वो भी आपने समझ लिया, अब बारी आती है लिगेंड की, तो लिगेंड भाई सब कई टाइप के आते हैं, ठीक है ना, आ जाओ हम लोग करते हैं बात फटाफट से। देखो लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है सुनो, मेरे पास जो लिगेंड होंगे, पहले हम लोग यहां पर देखेंगे लिगेंड जो होता है आवेश के आधार पर कुल तीन टाइप के होंगे, ठीक है ना। एक लिगेंड वो जिसके पास क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, जैसे NH4+, ठीक है देखो है ना, ये कौन है बताओ, लिगेंड है लेकिन धनात्मक है ना, और कौन होता है NO+ है ना, ये कौन है बताओ, ये पॉजिटिव है, ये बहुत कम मिलेगा आपको देखने को है ना लिगेंड के रूप में, ऋणात्मक लिगेंड, जी हाँ ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि ऋणावेशित, ऋण आवेश वाले लिगेंड, ऋण आवेश युक्त लिगेंड, ठीक है ना, ये थोड़ा ना ये मात्रा पात्रा गलत हो सकता है ना, जो मात्रा है ना थोड़ा सा ठीक कर लेना, अगर गलत लिखाई दो ना वैसे ठीक होगा ये, ठीक है। इसमें कौन आएगा बताओ, Cl- हो गया, F- होगा, ठीक है Br- होगा है ना, और कौन होता है बताओ, Cl- होता है ना, O पर 2- है ना, ये मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे हैं C2O4 है ना, 2- होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में लिगेंड होते हैं जो नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है मैं भी इनको आपको लिखवाऊंगा, वे लिगेंड जो हमारे काम आने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें मैं आपको यहां लिखवा दूंगा, ठीक है ना, जो हमारे काम आएंगे मैक्सिमम। देखो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो उदासीन होते हैं, उन पर कोई भी आवेश नहीं होते, ठीक है ना, यानी कि शून्य आवेश वाले है ना, कौन, शून्य आवेशित लिगेंड, शून्य आवेशित लिगेंड कौन कौन होंगे, देखो NH3 हो गया है, CO हो गया है ना, एक बड़ा फेमस नाम है EN, इथाइलिन डायमाइन, ये बड़े काम आते, ठीक है ना, इथाइलिन डाई अमाइन, उदासी लिगेंड ये होते हैं। हमें जो याद रखना है इसमें वो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आपको याद होने ही चाहिए, अब मैं उसे यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी ना आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें कुछ लिगेंड्स होंगे जो आपको याद रखने, ठीक है ना, हमेशा उसके बिना तुम्हारा चल नहीं पाएगा, मतलब
काम है ना इसमें केमिस्ट्री में, ठीक है ना, बायो तो काम चल ही जा रहा होगा ना। देखो तो भाई साहब हमने इसमें लिगेंड ना यूज कर लेते हैं, ठीक है, लिगेंड ना कौन कौन सा आएगा, कौन सा ब्लैंक कहां से लागे सबसे, चलो देखो ये है ना भाई, इसे हम लोग ना ऊपर ले चलते हैं और लिगेंड का वर्क, ठीक है ना, चलो भाई ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या, इसको हटाओ, चलो भाई देखो हमारे पास जो लिगेंड भाई साहब है ना, तो पहले मैं क्या देखना है बताओ, ऋणात्मक लिगेंड, कौन सा ऋणात्मक लिगेंड, कौन कौन से देखो बताओ, देखो जितने भी नेगेटिव वाले ना, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे मालूम मेंबर को कौन है, देखो फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये लिगेंड आपके सामने आ गया, ठीक है ना, इससे अलग कोई भी लिगेंड जो है ना तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, मतलब इतने लिगेंड तो आपको याद होने ही चाहिए, अगर आपको इंटर का पेपर देना है, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, तो आपको ये लिगेंड जो है ना जो सामने लिखे हुए हैं इसका आप लोग ले लो, पहले ना ऐसा ले लो, ले लिया, ठीक है। देखो यानी कि जो लिगेंड है ये लिगेंड आपको सब याद होने चाहिए, देखो एफ नेगेटिव है तो फ्लोराइड हो, देखो एक बात ध्यान रखना हमारे पास क्या होता है क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है, क्लोराइड है ना, जो Cl- होता है इसे हम लोग कहते हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड जो है हमारे पास में है, देखो ध्यान से IDe को हमने हटाया, IDe को हमने हटाया और ऐड किया क्या हमने इसमें IDO, क्या IDO हमने इसमें यूज कर दिया, तो क्लोराइड को हमने क्या किया क्लोराइडो बनाया, ठीक है ना, तो ये आपको ना पता होना जरूरी, ठीक है ना, क्लोराइडो बनता है, क्लोराइड से क्या बनता है बताओ, क्लोराइडो बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या बना क्लोराइडो, तो आईडी जितने भी आयंस होते हैं आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आईडी को हटा करके उसके नाम में हम लोग आईडीओ जोड़ देते हैं लिगेंड के नाम को याद रखने के लिए ट्रिक है, ठीक है। देखो क्या बना फ्लोराइडो क्लोराइडो ब्रोमाइडो आयोडो ऑक्साइडो पर ऑक्साइडो ओ टू पर एक माइनस, ठीक है, ओ पर टू माइनस सल्फेटो है ना। देखो अब जहां पर क्या होता है एटीई होता है ना, हम एटीई वाले को एटीई को हम लोग एटीओ में चेंज करते, ठीक है, एटीई है था तो ई को हटाया हमने, क्या लगा पता ओ लगा दिया है ना, E को रिप्लेस करके O लगा देते हैं, तो सल्फेट था मेरे पास में सल्फेट टू नेगेटिव, हमने उसे सल्फेटो बोल दिया, सल्फाइट होता है तो हमने सल्फेटो सल्फाइटो बोल दिया, नाइट्राइड होता है तो हमने नाइट्राइडो बोल दिया, सल्फाइड होता है तो हमने सल्फाइडो बोल दिया, हाइड्रोक्साइड होता है तो हमने इसको हाइड्रोक्साइडो बोल दिया। अब सुनो ऑक्सीलेट है तो हमने क्या कर दिया बताओ, ऑक्सीलेट को हमने ऑक्सीलेटो कर दिया, ठीक है ना। देखो ये आपको पढ़ना आना चाहिए, नाइट्राइड को हमने फिर से दोबारा गया, अच्छा एक यहां पे तो यहां पे आ गया दोबारा गया, कोई नहीं, नाइट्राइड हो गया, साइनाइड होता है साइनाइड तो हमने साइनाइडो बोल दिया, बहुत से साल में हम इसको साइनो भी कह देंगे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ यहां पर, देखो अगर सीएन है यहां पर दाता परमाणु कार्बन है, किसको देगा ये एम, एम कौन है मेरा नाम है मुकेश कुमार एम, लेकिन ये एम मैं नहीं हूं, धातु यानी कि मेटल को बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होगा एन, सी से देगा तो साइनाइड हो, एन देगा, अब देखो एन सी कर दिया, ये सी एन है ये एन सी कर दिया तो हम इसको आइसो बोलेंगे ना, यहां पर एन कौन क्या देगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है हम उसे बोलते हैं दाता परमाणु, तो यहां पर एन क्या है दाता परमाणु, तो आइसो साइनाइडो आप इसमें आइसो लगाओगे कार्बोनेटो हो जाएगा ये, ठीक है। देखो अब ये क्या है SCN, जी SCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो थायो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहां पर S को सल्फर को, तो हम इसे बोलते हैं थायोसाइनेटो। अब ये तो SCN में पहले तक कौन S क्या है दाता परमाणु, अब यहां पर कौन है बताओ N, तो ये क्या बन गया आइसो थायोसाइनेटो, अगर SCN है तो थायोसाइनेटो और अगर NSCS है तो क्या बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो।
अब देखो ये क्या बताओ, एन डबल बॉन्ड ओ और एन है, अब ये नाइट्रीटो है, एन ओ टू नेगेटिव बोलते हैं ना, तो नाइट्राइड होता है, तो नाइट्रीटो अगर इसके अंदर ऑक्सीजन होगा दाता परमाणु तो बोलेंगे नाइट्रीटो, उल्टा कर दिया, देखो इसमें ना ओ दे रहा है तो यहां पर हम लोग इसमें ओ लिखेंगे, इसमें हम लोग ओ लिखेंगे, नाइट्रीटो ओ बोल देंगे, और अगर मान लो नाइट्रीटो एन दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो यहां हम लोग इधर नाइट्रीटो एन लिखेंगे, ठीक है एन। इसे ना बहुत से बुकों में ओ नाइट्रीटो भी लिखा मिलेगा आपको, है ना, ओ नाइट्रीटो, ओ ओ नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, ठीक है ना, और यहां पर आपको क्या मिलेगा बताओ, इसके स्थान पर एन नाइट्रीटो, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये ना कुछ लिगेंड के नाम हो गए, देखो लास्ट में कौन है बताओ, ईडीटी है, ईडीटी क्या होता है, एक लिगेंड है जिसके पास चार माइनस का होता है, तो इथाइलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट बोलते हैं, इथाइलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट, इस पे चार आवेश होता है माइनस का, तो ये जो लिगेंड है ना इस पे कितना आवेश है, ये आपको आवेश याद होने चाहिए, अगर आपको ये आवेश याद नहीं होंगे तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, ठीक है ना। आप इसके आगे चल के जो टॉपिक्स आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे वो नहीं निकाल पाओगे, आईपीएससी नेमिंग फिर आप कर नहीं पाओगे, है ना, तो आपको ना आवेश याद होना जरूरी है, ऑक्सीलेटो पे दो नेगेटिव होता है, नाइट्राइडो पे तीन नेगेटिव होता है, थायोसाइनेट हो या फिर साइनेट या फिर साइनेटो हो इन पर माइनस एक होता है, कार्बोनेटो पे क्या कार्बोनेट है तो माइनस दो होता है ना, देखो नाइट्रीटो है, ईडीटी पर कितना बताओ चार नेगेटिव है, ये ना आपको चार याद होना जरूरी है, चार याद होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ना ये लिगेंड जो है नेगेटिव यानी कि कौन सा, हाँ ऋणात्मक लिगेंड आपको याद हो गया होगा, इसको ना 20 बार दे देख के लिखें या चार पांच बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, तो इसमें इंपोर्टेंट जो है ना ये आपको याद करना चाहिए, देखो मैं इस पर ना इंपोर्टेंट वाले पे स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको याद जरूर होना चाहिए, ये तो ये ना ये सारे इंपोर्टेंट है जो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, सल्फेटो हो गया, सल्फाइटो हो गया, है ना, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा ज्यादा, देखो ये ऑक्सीलेटो ये तो बड़ा इंपोर्टेंट है, ये स्टार वाले बड़े इंपोर्टेंट, ठीक है ना, ये आपको जरूर याद होने चाहिए, थायोसाइनेटो है ना, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रीटो, ओ नाइट्रीटो, ये बड़े इंपोर्टेंट, ईडीटी तो बहुत इंपोर्टेंट है ना, ये आपको नेगेटिव वाले में इतने याद होने चाहिए, ठीक है, जहां मैंने स्टार बनाए हैं ये स्टार वाला आपको याद होना चाहिए 100%, देख देख करके लिखो आप, पांच सात बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और दो यहां पर कौन बताओ, उदासीन लिगेंड हमारे पास आ गया, तो उदासीन यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश याद रहेगा तो आप क्या निकाल पाओगे, ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु का, वो हमें निकालना पड़ता है ना, बहुत सारे टॉपिकों में हमें निकालने पड़ते हैं, ठीक है, तो आपको आवेश याद रखना जरूरी है। ये हमारे पास कुछ गिने हुए गिने चुने हैं जो कि उदासीन लिगेंड है, और ये आपको याद होना जरूरी है अगर तुम्हें इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक्वा, जल को बोलते हैं एक्वा, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता, यहां पर क्या बताओ, NH3 एमीन हो गया, अमोनिया कह लेते हैं प्यार से ना, कार्बोनिल ये बहुत इंपोर्टेंट है भाई, एनओ, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, फिर क्या बताओ, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसाइल बोलते हैं अंग्रेजी में, नाइट्रोसाइल, अगर NH2 NH1 हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, पायरीडीन बोलते हैं इसको ना, PY क्या इसका सिंबल है, पायरीडीन कह लो या फिर हिंदी में यह लिखा हुआ, ठीक है। EN बड़ा इंपोर्टेंट है भाई, इथाइलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट, है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था बताओ, कुछ उदासीन लिगेंड है, मेरे पास कुछ लिगेंड अभी और आएंगे, ठीक है ना, लिगेंड को आप लोग ना एक और टाइप से कर सकते हो वर्गीकृत, यहां तो अभी आपने उदासीन यानी कि आवेश के आधार पे जो लिगेंड है उसको कर दिया वर्गीकृत, अब हम लोग दाता परमाणु के आधार पे ना कर सकते हैं इसको वर्गीकृत, ठीक है भाई, देखो दाता परमाणु के आधार पर क्या लिगेंडों का वर्गीकरण, देखो अब यहां कौन आए बताओ, एक दंतुर, द्विदंतुर, है ना, ऐसे यानी कि दाता परमाणु के आधार पर एक दंतुर, है ना, क्या बोलते बताओ, एक दंतुर लिगेंड, ये कौन होते बताओ भाई, लिगेंड हमसे बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब ये मोनोडेंटेड एक्चुअली होता क्या है, देखो ऐसे लिगेंड भाई, मान लो क्लोरीन हो गया ना,
क्लोराइडो हो गया, फ्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइडो हो गया, आयडो हो गया, है ना, और कौन हो गया, एसओ फोर टू माइनस हो गया, है ना, एस टू माइनस। तो ये सब लिगेंड जो है जिनके पास केवल एक ही दाता परमाणु है उसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, हाँ उसे हम लोग कहते हैं एक दंतुर लिगेंड, ठीक है, मोनोडेंटेट बोलते हैं, मोनोडेंटेट क्या बोलते हैं इसको बताओ, हम इसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है भाई, मोनोडेंटेट बोलते हैं। अब ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हम उसे बोलते हैं क्या, बाइडेंटेट, है ना, क्या बोलते हैं उसको बताओ, बाइडेंटेट लिगेंड हम उसे कहते हैं, ठीक है भाई, बाई मतलब जानते हो, बाई मतलब दो होता है, बाई मतलब दो है ना, हाँ द्विदंतु लिगेंड बोलते हैं हिंदी में, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड होता है, ठीक है भाई, देखो ये क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड अंग्रेजी में बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, देखो बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, देखो इस टाइप के ना। अब यहां पर कौन आएगा बताओ इसके अंदर, देखो बाई मतलब जिसमें दो होते, सबसे पहला एग्जांपल किसका बताओ, ईएन का, कौन है बताओ, ईएन, ईएन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एनएच, सॉरी ये ऐसे देखो सीएच टू, है ना, इधर एन होगा, इधर ऐसे लो एन एच टू, देखो ये इधर सी एच टू हो गया, इधर एन एच टू, तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है बताओ, इसके पास होता है लॉन पेयर, ये लॉन पेयर ना दे करके ये क्या करता है, आबंध बनाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, तो दाता परमाणु कितने हैं इसमें, दो हैं। इस एन का ये स्ट्रक्चर है, क्या नाम इसका बताओ, इथेन, नाम क्या इसका बताओ, इथेन ए कोमा दो डाई अमाइन, है ना भाई, नाम को आप जानते हो ना, अमाइन में आपने अमाइन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कंप्लीट लेक्चर किसका, अमाइन का, वहां मैंने इसका नेमिंग करना सिखाया है। तो हुआ क्या, NH2 CH2 CH2 और ये क्या बताओ NH2 है, तो आप इस प्रकार से इसका नेमिंग करके ना नाम याद रख पाओगे, इसमें दो दाता परमाणु है, एक तो यहां N, एक यहां पे N, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। देखो इसमें एक एग्जांपल और आ जाता है आपके पास में, ऑक्सीलेट होगा C2FO4 टू माइनस कार्बन हो गया, है ना, डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव C, डबल बॉन्ड O, O, देखो अब यहां पर क्या, इसके पास लोन पेयर है ना भाई, कैसे पास बताओ, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है कौन, ऑक्सीलेटो, तो इसके पास में क्या बताओ, दो दाता परमाणु, देखो ध्यान से अगर आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ये कौन है, ये है दाता परमाणु, तो दाता परमाणु ना आपको पता होना चाहिए क्या एक्चुअली होता क्या है, दाता परमाणु, दाता परमाणु, ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके, वो परमाणु, ठीक है ना। अब यहां पर तो क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है, तो ये हमारे पास क्या बताओ, ऑक्सीलेटो, ठीक है, ये सब कौन है, बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि द्विदंतुर लिगेंड हमसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, तीन वाले होते हैं, चार वाले हमारे इतने काम में आएगा, ठीक है। एक बड़ा इंपोर्टेंट आपके पास में आता है, ईडीटीए, ईडीटीए, इसके पास कितने हैं, ईडीटीए, ये इंपोर्टेंट है, इसमें चार माइनस है, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना, वो आपको खैर हम लोग रिविजन कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी देखना है कि कैसा होता है, तो मैंने अपने ही चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट इसी चैप्टर का बिल्कुल एक एक चीज को लिखा है मैंने, यहां हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं ना, तो फटाफट से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना, लिगेंड। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर चाहते हो देखना, तो प्लेलिस्ट में जाओ और आप ना निकालो शुरू कर थर्ड लेक्चर, ठीक है ना, तीन चार लेक्चर में वहां पर ना लिखा होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये कौन था बताओ, दाता परमाणु के आधार पर क्या लिगेंड, क्या वर्गीकरण। अब इसमें एक आता है फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड, हाँ भाई, फ्लेक्सी दंतुर लिगेंड, फ्लेक्सी दंतुर
लिगेंड, ये क्या होता है बताओ, यानी कि फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड, है ना। अब फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिनके पास दो दाता परमाणु होता है लेकिन एक समय पर यूज ये एक ही करता है, ठीक है। ये बड़ा इंपोर्टेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। सॉरी, वो तो होता है उभयतंतु ना, दो होता है यूज करता है एक, हम उसे बोलते हैं उभयतंतु, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड वो होता है जो कि एक ही लिगेंड अलग अलग प्रकार के बंध को बनाता है, ठीक है ना। हाँ, वह लिगेंड जो भिन्न भिन्न संकुलों में भिन्न भिन्न प्रकार से आबंध बनाते हैं ना, यानी कि वह लिगेंड जो भिन्न 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 संकुलों में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न 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 प्रकार से आबंध बनाते हैं, क्या करते हैं बताओ, आबंध बनाते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से आबंध बनाते हैं, ये पेपर में आता है। तो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड है ना, आपके पेपर में देखने को मिलेगा 2024 के ना बोर्ड एग्जाम में। तो भाई साहब है ना, फिर मैं बोला कि आपको मैंने ये चीज बताया नहीं, पेपर में आता है कि फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड क्या होता है, आप उसको परिभाषित कीजिए, एक नंबर का आ जाएगा, दो नंबर का, ठीक है, तो आप कर पाओगे। देखो इसका एग्जांपल क्या बताओ, ईडीटीए है ना, 4- ये हो गया, ठीक है भाई। ये इसके लिगेंड है जो अलग अलग प्रकार से ना शो करता है, ठीक है, ये बड़ा इंपोर्टेंट है ना। अब क्या था बताओ, उभयदंतुर लिगेंड, देखो उभयदंतुर लिगेंड। अब ये उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं भाई, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। वो होता है जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करता है, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो सीएन है, ठीक है। अब सी जो होता है, सीएन जो होता है ना, देखो नेगेटिव होता है, इसके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो दाता परमाणु ये भी हो सकता है ना, और दाता परमाणु कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो दो रखते हैं दाता परमाणु लेकिन एक टाइम पे यूज केवल एक ही करता है, दोनों यूज नहीं करते, ठीक है। देखो NO2 हो गया नेगेटिव, आप जानते हैं ना नाइट्रिटो N होता है, क्या होता है नाइट्रिटो N, ये अगर N से देगा, ऐसे N से अगर ये देगा, है ना, तो कुछ और नाम हो जाएगा इसका, और अगर यही O से देगा, अगर ये O से देगा M को इलेक्ट्रॉन, तो ये नाम इसका चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है ना, तो एक ही लिगेंड है लेकिन इसके पास दो दाता परमाणु है और ये एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं कि एक ही लिगेंड में, एक ही लिगेंड जो ये NO2 है, एक ही CA को, एक ही CMA को N से भी देगा इलेक्ट्रॉन और O से भी देगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, एक टाइम पर एक ही यूज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ऑल टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्या किलेट क्या होता है ना, किलेट फॉर्मेशन, देखो आते ध्यान से किलेट फॉर्मेशन, ठीक है भाई, देखो किलेट फॉर्मेशन, आ जाओ किलेट, चलो बात करें ना उसकी, उससे पहले बात होगी क्या बताओ, हाँ किलेट से पहले बात होगी उपसह संयोजन संख्या की। एक्चुअली ये होता क्या, आओ समझते हैं। देखो किसी संकुल के अंदर ना किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने सहसंयोजी आबंध है, ठीक है, उसे गिन लोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, उपसह संयोजन संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसे, देखो मेरे पास मान लो क्या, एक ये है एफ ई है, ठीक है ना। अब यहां पर कौन सीएल है, यहां पर भी कौन है सीएल है, यहां भी सीएल है, यहां पर कौन है बताओ सीएल है। अब यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, यहां है माइनस दो है। अब ये बताओ यहां जो एफ ई है इसके साथ में कितने बंध बन रहे हैं, यहां पर कुल चार बंध बन रहे हैं, यानी कि हम कहना चाहते हैं उपसह संयोजन संख्या
सॉरी बोल उल्टा बोल दिया, उपसह संयोजन आबंध की संख्या कितनी है कुल, आप ये गिन लो। यानी कि देखो उपसह संयोजी आबंध की संख्या गिनो, आबंध की संख्या कुल कितने होंगे टोटल, है ना। हम उसे क्या बोलेंगे बताओ, हम उसे बोलेंगे उपसह संयोजन संख्या, संयोजन संख्या, ठीक है ना। और हम इसको बड़े प्यार से सीएन बोलेंगे, ठीक है ना, सीएन समझते हो ना, उपसह संयोजन संख्या आगे यूज होगा इसका, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में बताओ सीएन इक्वल टू कितना आएगा, चार, कितना आएगा चार, उपसह संयोजन संख्या पता करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो एक मैं यहां पर एग्जांपल और लूंगा, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास क्या है, यहां पर के टू आ गया, यहां पर निकिल आ गया, ठीक है ना, यहां पर सीओ, बताओ यहां पर कितना होगा सीएन। देखो यहां निकिल है, तो निकिल जो है सीओ के साथ में चार कार्बोनिल आबंध जो है ना बनाया होगा इसने, यानी कि सीओ कौन है, एक लिगेंड है, नाम क्या है इसका, कार्बोनिल लिगेंड। एक कार्बोनिल जो लिगेंड होता है ये केवल एक ही बंध बनाता है एक टाइम पे, तो कुल इसने चार उपसह संयोजी आबंध बनाए होंगे, इसीलिए इस संकुल में उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बताओ, चार होगी, कितनी होगी बताओ, चार होगी ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो हम कुछ अभी ना एग्जांपल यहां पर और अभी ले लेते हैं ना, देखो ऐसे देखो मान लो मेरे पास यहां पर कौन है, निकिल है, तो निकिल ने क्या किया, C2O4 टू लिया और Cl2 लिया, है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये जो संकुल है, इस संकुल ने यहां पर K3, ठीक है ना, इस संकुल में उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बताओ, चलो बताओ उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ, हाँ बताओ बच्चे, चार कह रहे हैं ना, एक्चुअली चार होगा नहीं, चार क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका छह होगा, कितना होगा छह होगा, चार नहीं होगा, क्यों, सुनो मैंने अभी आपको समझाया कि जो ऑक्सीलेटो होता है वो द्विदंतु लिगेंड होता है, यानी एक ऑक्सीलेट जो होता है वो दो बंद बनाएगा। अब अगर एक C2O4 दो बंद बनाएगा तो दो मिलकर चार बनाएंगे, तो चार बंद तो इसके हो गए और दो बंद किसके हो गए, सीएल के। तो ये जो संकुल है ये अष्टफलकीय संकुल होगा, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उपसह संयोजन संख्या है वो कितना है बताओ, छह, ठीक है ना। तो आपको ना ये पता करना आना चाहिए उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करने के लिए आपको लिगेंड की ना जो कितना बंद वो बना रहा है एक लिगेंड, ये पता होना जरूरी है। मतलब वो लिगेंड मोनोडेंटेट है, यानी कि एक दंतुर है, द्विदंतुर है, तीन दंतुर है, या फिर चार दंतुर, या फिर छह दंतुर, ठीक है। आओ एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, और आपको चेक करते हैं कि कितना पता है, ठीक है। देखो आपके पास मतलब यहां पर क्या है, लिगेंड है वो EN है, ठीक है, ट्वाइस लग गया, और यहां पर C2O4 हो गया, ठीक है ना। देखो अब ये हमारे पास का एक लिगेंड है ना, और यहां पर K2 है, अब बताओ इसका CN कितना होगा, हाँ भाई इस संकुल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा, उपसह संयोजन संख्या क्या निकाल सकते हो, ट्राई करो, उपसह संयोजन संख्या कितना होगा, ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, आप सोचो, ठीक है, एक बार सोच लो अच्छे से, ठीक है ना, बताओ कितना होना चाहिए। आपको ये जरूरी है जांच करना कि यहां जो लिगेंड प्रयुक्त हो रहे हैं वो लिगेंड किस टाइप के हैं, मतलब एक दंतुर है, द्विदंतुर, या फिर क्या, ठीक है, चेक करो बताओ कितना होगा आंसर, छह बता रहे हो, चार कौन कह रहे हैं, अतुल साहब चार कह रहे हैं, और छह कौन कह रहे हो, बाकी सब छह कह रहे हो, आप विष्णु जी पल्ले नहीं पड़ रहा है आपको, क्यों, देखो EN जो होता है, मैंने आपको अभी लिखा था ना कि द्विदंतु लिगेंड होता है, तो दो बंद तो ये बना लेगा, एक EN दो बनाएगा, दो मिनट कितना बनाएगा, चार, और जो कार्बो सॉरी जो ऑक्सीलेट है C2O4, एक ऑक्सीलेट जो होता है वो चार दो बंद बनाएगा, चार इसके दो से कुल कितना हो गए, छह हो गए, हाँ।
तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। चलो एक और आप देखते हैं ना, आपको अभी चेक करते हैं, और देखो यहां मेरे पास क्या है, इधर सीओ ई डी टी ए, ठीक है भाई, ई डी टी ए, ठीक है ना, ये बताओ, और यहां पर के टू, बताओ इसका ऑक्सीजन सॉरी इसका सीएन कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका बताओ, इसका 6 होगा, क्योंकि ईडीटीए जो होता है ना ये एक षष्ठ यानी कि हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मैंने अभी इससे पहले ही समझाया था, है ना। तो आपको ना इस टाइप से लिगेंड का ना ऑक्सीकरण संख्या बताना आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ हम लोग चलते आगे, और अब हम लोग समझेंगे क्या क्लेट, क्या समझेंगे क्लेट, है ना, देखो आ जाओ क्लेट क्या होता है, एक्चुअली क्लेट फॉर्मेशन, क्लेटिक लिगेंड क्या होता है ना, क्लेटिंग लिगेंड, चलो लिखो एडिंग, चलो देखो अब सुनो, कुछ लिगेंड्स देखो, जो लिगेंड द्विदंतूर होते हैं ना वो लिगेंड हमेशा वलय बना देते हैं, देखो ऐसे सुनो, मान लो मेरे पास क्या है, देखो इसमें यहां पर निकिल है, कौन है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूंगा तो निकिल ले लो, निकिल लिया मैंने C2O4 लिया, यहां मैंने ट्वाइस लिया C2O4 लिया, ठीक है भाई, और यहां पर क्या लिया मैंने 2- लिया, तो ये जो लिगेंड है कौन, ऑक्सीलेटर जो लिगेंड है, देखो क्या करता है ये लिगेंड, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा, देखो सी यहां मिलेगा है ना, डबल बॉन्ड इसमें आपको ऐसे मिलेगा, देखो ऐसे डबल बॉन्ड मिलता है, इधर ओ मिलेगा ना, डबल बॉन्ड होगा, इधर ओ मिलेगा, देखो दिख रहा है, ये जो लिगेंड है कौन ऑक्सीलेटो, इसके पास दो होता है दाता परमाणु, एक तो ये ऑक्सीजन हो गया, एक कौन है बताओ, एक तो हो गया ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन जो हो गया यहां पर, इसमें क्या है, दो दाता परमाणु इसमें है। अब देखो ध्यान से कि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी, तो ये पूरा बंद हो गया, क्या हो गया, पूरा ये बंद हो गया, तो ये क्या, ये वलय बन गया, क्या बन गया, ये वलय, वलय वलय मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, यानी इसने रिंग बना दिया। इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, कार्बन हो गया फिर से डबल बॉन्डेड हो गया, इधर से सी डबल बॉन्डेड ओ, है ना, ए, कुछ ऐसे देखो, अब यहां भी हो, देख रहे हो, देखो यानी कि ये जो लिगेंड है ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो लिगेंड जो वो क्या कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है, तो जो रिंग बना लेता है ना लिगेंड, रिंग बनाने वाले जो लिगेंड होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं क्लेटिंग लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको बताओ, हाँ, तो जो रिंग बना लेता है, वलय बनाने वाले, वलय बनाने वाले, आप अपने शॉर्ट नोट्स को ना बनाते रहो, बनाने वाले लिगेंड क्या होते हैं, क्लेटिंग लिगेंड, क्लेटिंग लिगेंड होते हैं, ठीक है, लिगेंड कहलाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, हाँ, क्लेशन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अच्छा पीपीटी पढ़ रहे ना, ठीक है, देखो ऐसे ही कौन बताओ, ईएनवी, देखो योग से एक तो उसका योग एग्जांपल है ना, यहां पर ले सकते हो क्या, सीओ ले लो, N2 ले लो ट्वाइस, है ना, और यहां पर Cl2 दिख रहा है। अब देखो ये EN है ना, ये भी क्या बताओ, EN भी एक द्विदंतु लिगेंड होता है, तो ये भी वलय बनाएगा, क्या बनाएगा ये बताओ, ये वलय, देखो ऐसे यहां पर कौन आ गया, इधर CO हो गया, है ना, CH2 होता है, इधर कौन होगा, NH2, है ना, यहां भी कौन होगा बताओ, NH2, तो ये जो NH को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना भाई, नहीं देगा, फिर यहां पर क्या होगा, CH2, यहां भी कौन होगा, तो CH2, यहां पर कौन होगा, NH2, इसको देगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर NH2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है, HN, है ना, H2N,
देखो तो ये क्या बन रहा है, ये वलय बना रहा है यहां पर। तो वलय जो बनाते हैं, वलय वलय मतलब कि रिंग, रिंग फॉर्मेशन, वलय बनाने वाले जो लिगेंड होते हैं ये सभी कौन होते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है ना। किलेट फॉर्मेशन ये करते हैं, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, हाँ किलेटिंग। तो ये ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, हाँ केंद्रीय धातु परमाणु का हमें क्या याद करना है, ऑक्सीकरण संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आओ समझते हैं इसको ना डिटेल में। देखो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया तो आप इसमें लैक करोगे ना पूरे चैप्टर में। देखो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आना चाहिए। सपोज करो मेरे पास क्या है, निकिल है, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, ई एन लिख दिया है ना, ई एन, और यहां पर क्या है टू, और ये भी क्या है टू, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक कौन है बताओ, हाँ ये हमारे पास एक संकुल है। अब ये जो संकुल है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, जो हो गया सीएम है ना। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस पर आवेश कितना है, जो भी आवेश होगा इस केंद्रीय धातु परमाणु पर हम उसे ही कहते हैं उस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। देखो यानी कि आप ये कह सकते हो कि वास्तविक अथवा आभासी आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। किसका, सीएमए का, वास्तविक अथवा आभासी आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप निकालोगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या, निकालेंगे कैसे, देखो सीखते आ जाओ। ईएन कैसा है बताओ, मैंने कहा था आपको लिगेंड की पहचान आवश्यक है, आपको लिगेंड पहचानना आना चाहिए कि जो लिगेंड इसमें यूज हो रहा है वो उदासीन लिगेंड है या फिर कैसा है, वो ऋणात्मक लिगेंड है, और आवेश आपको पता होना चाहिए लिगेंड पे कितना है। देखो ये जो संकुल है इसमें टोटल आवेश जो होगा ना वो जीरो होगा जोड़ करके, ठीक है। देखो हमें निकिल का नहीं पता, एक्स मान लेंगे, हमें निकिल का नहीं पता ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, एक्स मान लेंगे, प्लस ईएन जो होता है वो क्या होता है बताओ, ईएन जो होता है उदासीन लिगेंड होता है, तो उदासीन का आवेश मतलब जीरो, कुल कितने लिगेंड इसमें बताओ, दो, दो से गुना हो जाएगा, प्लस जो जो सीएल होता है ना वो होता है ऋणात्मक लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड होता है, एक सीएल पर क्या होता है बताओ, एक माइनस होता है। यहां देखो ध्यान से, कुल दो सीएल है, सॉरी दो सीएल है, तो एक सीएल का माइनस होगा, तो दो गुना माइनस एक। अब इस संकुल के ऊपर कोई यहां पर आवेश नहीं है, जीरो आवेश है, क्या बताओ जीरो, यहां पर पॉजिटिव हो सकता था, यहां पर नेगेटिव हो सकता था, यहां इस केस में कितना है बताओ, इस केस में यहां पर जीरो आवेश है, तो हम यहां इक्वल टू में जीरो लेंगे, क्या लेंगे बताओ, जीरो। अब इसको जोड़ो तो एक्स माइनस दो इक्वल टू जीरो, एक्स का मान कितना बताओ प्लस दो है ना, नहीं आ रहा है। हम ऐसे क्या निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और देखो ध्यान से, आप सिंपली ना इतना करने के बजाय ना इसे देख करके निकाल सकते हो। देखो इसका कितना है, ईएन का होता है जीरो, तो शून्य हो गया इसका, सी एक सीएल का माइनस एक हो जाएगा, दो सीएल का माइनस दो हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस दो, निकल गया है ना। देखो तो आपको ना ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। देखो आगे आ जाओ, देखो और समझो, आ जाओ देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज करो सीओ हो गया है ना, NH3 हो गया, यहां पर कितना हो गया 4 हो गया, यहां Cl हो गया है ना, Cl हो गया और इसमें OH भी आ गया, ठीक है भाई। अब यहां पर कितना है, K, only K है, ठीक है। अब बताओ इसमें CO पर कितना है ऑक्सीकरण संख्या, देखो अब यहां पर जो है वो है CO, केंद्रीय धातु परमाणु को बताओ CO है, तो CO
ये हमारा कौन हो गया भाई साहब, केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम। आपको सीओ पे बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ठीक है? ट्राई करो खुद से और फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है? देखो अपने आंसर को मैच करना। अब इससे बाहर क्या बताओ, के है ना, के हमेशा प्लस एक में रहता है क्योंकि ये एस ब्लॉक का तत्व है, पोटेशियम, हमेशा इसका आवेश प्लस एक होता है ना, और ये आपको पता होना चाहिए था। देखो तो के का कितना एक हो गया प्लस, अंदर आ जाओ, सीओ का नहीं पता एक हो जाएगा, ठीक है? प्लस एनएच थ्री एक उदासीन लिगेंड होता है, तो हम यहां पे उसका लेंगे जीरो। कुल लिगेंड कितना है चार, एक सीएल कितना होता है माइनस एक है, कितना इसमें एक ही है इसलिए गुणा करा एक से, प्लस ओएच का कितना होता है माइनस एक होता है, ठीक है ना, है इसमें कुल कितना बताओ एक, माइनस एक गुणा एक, ठीक है ना, इक्वल टू सब कर देंगे जीरो। देखो ध्यान से, अब यहां कितना एक हो गया प्लस एक्स हो गया, यहां पर क्या हो बताओ, यहां पर क्या हो गया माइनस गुना एक, तो जाएगा माइनस एक, माइनस एक, और यहां पर क्या हो गया बताओ माइनस एक हो गया बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा प्लस एक, ठीक है? तो यहां पर कितना बताओ जो सीओ का है वो प्लस एक ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है? ऑक्सीकरण संख्या को मैंने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से ना निकालना सिखाया हुआ है। इसी चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है ना मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको ये चैप्टर उप सह संयोजन यौगिक के नाम से कंप्लीट मिलेगा, ठीक है? तो वहां पर आप जाकर के ना और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चनों की, जहां मैंने डिटेल में समझाया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रिविजन, तो मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या होता है। आयोपेसिक नॉर्मल नेचर आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन संख्या के बाद में आपको क्या आता बताओ, हाँ, उप सह संयोजी यौगिकों का आयोपेसिक नॉर्मल नेचर, ठीक है? चलो आओ खुद शुरू, ठीक है? देखो भाई, तो नेमिंग करने के लिए आपको ना कुछ रूल्स पता होने चाहिए, क्या क्या बताओ? आयोपेसिक नॉमन क्लेचर करने के लिए आपको नेम का सॉरी कुछ नियम पता होना चाहिए, ठीक है भाई? देखो आ जाओ, तो मैं एनसीईआरटी जो है हमारी एनसीईआरटी है ना बुक, उसके रूल्स को लेकर के सामने आ रहा हूं, ठीक है ना। देखो भाई, तो आयोपेसिक नॉमन है ना, नॉमन क्लेचर कैसे करना है उसका रूल जो है ना एनसीईआरटी का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो पहले नियम में क्या कहता है, ये हमसे कह रहा है भैया, क्या कह रहा है भाई, कि धनायन अथवा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उप सह संयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, धनायन का नाम। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है, धनायन का नाम पहले लिखते हैं। अभी आप जानते हो ना NaCl जब आप लिखते हो तो ये कौन है बताओ, ये प्लस वाला होता है और ये कौन होता है माइनस। ये एक सिंपल लवण है, सिंपल लवण के अंदर जो आप नाम लिखते हो पहले हमेशा धनायन का लिखते हो, कौन होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। ऐसे MgCl2 क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी पहले धनायन आता है, इसका नाम कभी भी नहीं बदलता। तो जो नियम हम लोग यहां पे लगाते हैं सिंपल आयन के नाम को लिखने में, वही नियम हमें संकुल आयनों के नाम में भी अप्लाई करना है, ठीक है? देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, धनायन का नाम लिखोगे ना। हमारे पास उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन सा, है कि नहीं? देखो ये रहा, ये मेरे पास में है Ni, है ना, और क्या है Cl2, और मेरे पास है PH3, और यहां पर क्या बताओ इसका ट्वाइस है ना, हाँ, और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है ना, तो इसमें आवेश ही नहीं है ना। हम पहले क्या लेंगे बताओ, मैं अपनी तरफ से एक साथ संकुल लघु ले रहा हूं, K2 है मान लो, ठीक है, और यहां पर क्या निकिल है ना, निकिल हो गया, और यहां पर मान लो NH2 हो गया, NH3 लेते जो NH3 2, और यहां पर Cl2 ले लो, है ना, ऐसे देखो ये मेरे पास क्या है, हाँ ये मेरे पास है, अच्छा यहां पर ना ओनली K ले लो, ठीक है, ये मेरे पास एक संकुल है। आओ पढ़ते हैं उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है इस संकुल के अंदर कि इसमें धनात्मक आवेश कौन है और ऋणात्मक कौन है, तो आपको तोड़ना आना चाहिए। देखो अगर आप देखोगे तो ये प्लस में रहेगा हमेशा एक, और यहां पर एक माइनस में आएगा, ठीक है ना, आपको ऐसे करना आना चाहिए। अब हमें कैसे पता कि प्लस में आता है के, भाई के हमेशा जानते हो ना आप, पोटेशियम धात्विक धातु है तो हमेशा प्लस में रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये प्लस में हो गया, और ये किसमें बताओ ये हो गया माइनस में, है ना। तो पोटेशियम जो है एक धातु है, प्लस में रहेगा हमेशा, और ये नेगेटिव में, तो पहले हमेशा धनात्मक आवेश का नामकरण करते हैं, प्लस ये हो गया ये माइनस हो गया, तो धनात्मक आवेश का नाम जैसा है धातु का नाम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? तो बताओ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम, तो हमने क्या क्या लिखा बताओ, पोटेशियम लिख दिया,
ये हमने इसमें क्या लिखा, पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। पोटेशियम लिखने के बाद में अब पढ़ते हैं आगे, केंद्रीय परमाणु आयन के नाम से पूर्व लिगेंडो के नाम वर्माला के किसमें लिखते हैं, क्रम में, जी हाँ। अब संकुल का नाम लिखोगे तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु को कौन है बताओ, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा ये है CMA, इसके नाम को पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग लिगेंड के नाम को लिखेंगे। अब लिगेंड के नाम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि अंग्रेजी ABCD के रूप में लिखेंगे, पीछे से ए पहले लिखेंगे, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को, है ना, यानी कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। अब देखो इसमें लिगेंड के नाम आपको पता होने चाहिए, जो मैंने पीछे आपको लिगेंड के नाम लिखवाए थे उन सभी लिगेंडो के नाम तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है आवेश के साथ, वरना आप यहां पर लैप करोगे, कर नहीं पाओगे ना। तो जो मैंने आपको लिगेंड लिखवाए हैं, खासकर वो जो इंपोर्टेंट थे, उन्हें आपको ना कई कई बार लिख लिख के याद कर लेना है, अगर आप आगे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो, और कॉम्पिटिशन क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक है ना। देखो अब यहां निखिल हो गया, तो निखिल के नाम पहले नहीं लिखेंगे हम लोग। अब यहां पर एक तो एमीन है, कौन है बताओ, एमीन है, ए से स्टार्ट होता है, एक है क्लोराइडो, क्लोरीन नहीं बोलने का, क्लोराइडो बोलने का, क्योंकि ये कौन है बताओ, क्लोराइडो, तो क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी बाद में आता है, पहले एक आता है, ए आता है। देखो यहां पर दो लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि हम दो के लिए डाई लगाते हैं, तीन के लिए ट्राई लगाते हैं, है ना। तो दो के लिए क्या लगे, डाई, तो डाई एमाइन, क्या लिखा भाई, डाई एमीन लिख दिया मैंने। अब डाई फिर से आएगा, क्योंकि आपको दो बार ना, फिर क्या आएगा, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो। देखो लिगेंड के नाम लिखा सबको, लिगेंड के नाम को लिख जाने के बाद में देखो, ये लिगेंड था नाम लिख दिया, ये लिगेंड के नाम भी लिख दिया, अब आया केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चेक करना होगा, जो संकुल आयन है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इस केस में देखो ध्यान से, ये है सरल आयन, सिंपल आयन है, ये धनात्मक है, ये है संकुल आयन, संकुल आयन जो है वो नेगेटिव है। आपको फिक्स करना है दिमाग में इधर, कि अगर संकुल आयन है ऋणात्मक तो इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम बदल जाएंगे, उसके नाम के लास्ट में ATE जोड़ना है। जैसे कि यहां पर क्या बताओ, निकिल है तो उसका नाम निकलेट हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे, अब इसमें स्पेस तो है नहीं, ठीक है, तो मैं बोला छोटा करता है ना, तो देखो अरे सारे क्यों सो गए भाई, है ना, ये देखो इसको, ये देखो यहां ना, नाम यहां लिखते हैं, तो निकलेट होगा NICKL, ये निकल हो गया। आपको इसमें ATE जोड़ना है। अगर ये संकुल आयन धनात्मक हो जाता तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में ATE नहीं जोड़ते हैं, अगर संकुल आयन होगा ऋणावेशी तो हम इसमें ATE जोड़ते हैं, निकलेट हो गया, ठीक है ना। अब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को लिखने के बाद में इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु का आपको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालोगे, अभी सिखाया मैंने इसी क्लास में पीछे, ठीक है। देखो एन बताओ, इसका के कितना होता है, प्लस एक हो गया, ए हो गया प्लस, निकिल का नहीं पता, एक्स मान लो, NH3 क्या होता है बताओ, उदासीन होता है, दो से गुणा करोगे जीरो आवेश में, तो हो गया कितना, जीरो। एक Cl का माइनस एक होता है आवेश, ध्यान रखना लिगेंड पे, दो गुना माइनस एक करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो x माइनस प्लस जीरो, देखो प्लस एक और माइनस दो कितना हो जाएगा, माइनस एक बराबर जीरो। x का मान कितना आया, x का मान आया प्लस एक, कितना आया प्लस एक आ गया। तो यहां इधर ब्रैकेट में रोमन गिनती में ध्यान रखना है, रोमन गिनती में आपको ये नाम, सॉरी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको लिखना है। अब ये क्या हो गया बताओ, कंप्लीट नाम हो गया, किसका हो गया नाम, इस संकुल का कंप्लीट नाम हो गया। मेन मेन बातें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कोई भी संकुल आपको दिया है आपको उसका IUPAC नामकरण करना है, तो धनात्मक आवेश होगा और ऋणात्मक आवेश होगा। संकुल अगर ऋणावेशित है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के लास्ट में ATE जोड़ना है, और अगर संकुल जो है वो एक धन आवेशित वाला है
तो उसके नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ बढ़ते आगे और आपको समझाते हैं कि वो किस तरह का होगा, ठीक है। देखो अच्छा इसमें एक चीज और देखना था, ये रहा ऋणावेशित लिगेंडो के नाम के अंत में ओ लगाते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया ना। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि यदि उप सह संयोजन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई लगा देते हैं, ट्राई लगा देते हैं ना, शब्द हम लोग लगाते हैं। सुनो, जब लिगेंड के नाम में आंशिक पूर्ण लग्न हो तब 20 30 टेट्राकिस आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिगेंड कोष्टक में लिखे जाते हैं। देखो अब यहां पर क्या बताओ, देखो डाई क्लोराइडो 20, अब 20 में क्या डाई पहले आ गया, अब इसके अंदर भी देखो नाम आ रहा है क्या, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। जी हाँ, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। देखो ध्यान से, एक मेरे पास यहां पर ये लिगेंड है, सॉरी ये संकुल है एनआई सीएल टू, और यहां पर क्या है पी पी एच थ्री का भी हॉल ट्वाइस है कि नहीं। अब देखो ये संकुल कैसा है, ये उदासीन संकुल है ना। अब देखो अगर हम इसका नाम लिखे तो क्या लिखे बताओ, देखो ये कौन है क्लोराइडो है ना, अब ये कौन है बताओ ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राई फिनाइल, ट्राई का टीम देखो फॉस्फीन, फिनाइल भी पीस है फॉस्फीन भी पीस है, पहले कौन सी आएगा। देखो यहां पर क्या बताओ, देखो यहां पर कौन है तो डाई, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो ये हो गया डाई क्लोराइडो। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर डाई आ गया पहले से बाहर है ना, अब ध्यान से इधर यहां क्या आ रहा है, इधर दो आ रहा है ना, तो दो यहां पर डाई होगा, अब यहां पर क्या अंदर तीन है ना, तो इसका नाम क्या, देखो मैं पहले आपको लिख करके दिखा रहा हूं, अंदर कौन बताओ ट्राई, अंदर क्या है ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है ना भाई, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। देखो ध्यान से यहां पर ट्राई पहले से आ गया है ना, तो यहां पर देखो यहां पर दो भी तो है, तो फिर यहां पर डाई दो डाई आना चाहिए था, लेकिन हम डाई नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे 20 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 20। यहां 20 क्यों लगाया, क्योंकि अंदर ट्राई आ गया, अंदर चाहे ट्राई होता टेट्रा होता या डाई होता कुछ भी होता ना, यहां पर डाई नहीं आता, फिर यहां 20 आएगा। अगर तीन होते तो ट्रिस आता, अगर यहां पर चार होते तो टेट्राकिस आता, मजा आ गया, समझ में आ रही बात अब, यानी कि ऐसे नाम करके, ठीक है। अब देखो ये तुमने लिगेंड के नाम लिख दिए, अब लिगेंड के नाम को लिखने के बाद में इस संकुल पर कोई आवेश नहीं है, है कोई आवेश, अगर कोई आवेश नहीं है संकुल पर और वो धनात्मक हो या कोई आवेश नहीं हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। देखो नियम देखो ध्यान से, यदि संकुल आयन एक धनायन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है, फॉर एग्जाम्पल धनावेशी संकुल आयन में सीओ को कोबाल्ट लिखेंगे, पीटी को क्या लिखेंगे प्लेटिनम कहते हैं। यदि संकुल आयन एक ऋणायन हो जाता है तो धातु के नाम के अंत में एटीई लगाया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने निकलेट कर दिया था पीछे। फॉर एग्जाम्पल देखो संकुल कौन सा, देखो ये रहा, यहां पर क्या बताओ ये संकुल है ऋणायन है, संकुल क्या बताओ, ये देखो सीओ, सीओ दिया इसने, एस सी एन हो गया है ना, फोर हो गया, यहां पर क्या है दो माइनस हो गया, तो यहां पर क्या देखो इधर ये बताओ ये कौन है थायोसाइनेटो है ना, तो टेट्रा आ जाएगा, क्या आएगा टेट्रा थायो है ना, टेट्रा थायो थायो टी एच आई ओ थायो साइनेटो हो गया, ये नाम हो गया लिगेंड का, नहीं हो गया नाम पे लिगेंड का, ये लिगेंड का नाम क्या है, ये लिगेंड का नाम है थायोसाइनेटो, यहां पर चार है कि नहीं है, चार के लिए क्या लगा हमने टेट्रा लगा दिया, टेट्रा थायोसाइनेट हो गया, अब लिगेंड का नाम खत्म हो गया। लिगेंड का नाम अगर खत्म हो गया तो अब क्या लिखोगे तुम, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिखोगे। देखो अब ये कौन है बताओ, कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दिया, अब कोबाल्ट के नाम मतलब उस नाम के बाद में आपको इसमें ए टी ई लगाना है, ठीक है, क्योंकि संकुल कैसा बताओ, संकुल है नायन, तो नाम क्या हो इसका कोबाल्टेट हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या लगाना है, ऑक्सीकरण संख्या लगाना है, क्या लगाना बताओ, ऑक्सीकरण संख्या आपको कोष्टक में लगाना है ना भाई। देखो
तो इसमें कितना आ गया, देखो ध्यान से अब निकालो, सीओ करने पता एक्स मान लो, है ना, एस सी एन का माइनस एक होता है, ध्यान रखना माइनस एक होता है, मैंने आपको लिखा था पीछे, मैंने कहा था लिगैंड के आवेश को याद कर लो, पीछे लिखा रखा है मैंने आपको, यहां पर एस सी एन हो गया तो कितना कुल चार एस सी एन है, कुल एक का एक हो जाएगा, है ना, इक्वल टू माइनस दो। ये कहा था जितना आवेश होता है इसके ऊपर हम उसे इक्वल में रख के निकालते हैं, तो x हो गया माइनस का चार बराबर माइनस का दो, तो x को कितना आएगा माइनस का दो प्लस का चार बराबर प्लस का दो। अब ये जो प्लस का दो निकला है ऑक्सीकरण संख्या, ये केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है, और हम यहां पर क्या लेंगे बताओ, ऐसे करके दो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रोमन गिनती में हम लोग लिखेंगे। तो आई होप कि आपको नेमकरण करना यानी कि आयुपीएसी नामिंग मतलब नेमिंग करना आपको आ गया है, नामकरण करना आना सबको चाहिए, पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी रूल को ना समझा दिया है, देखो ये रहा है ना, धनावेशित नावेशित उदासीन उपसंयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में कोष्टक में दर्शाते हैं, ठीक है ना, सबको पता लग गया आपको, है ना। अब सुनो, तो यहां हमने खत्म कर दिया है आयुपीएससी नोमेनक्लेचर। आपके पास अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे बहुत सारी अलग अलग कंपनी की ना क्वेश्चन बैंक जो है वो आई हुई है मार्केट में, कोई से क्वेश्चन बैंक आप ले लो, ठीक है, मैं यहां किसी का नाम तो लूंगा नहीं। उन क्वेश्चन बैंक में से ऑक्सीकरण संख्या निकालने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ ऑक्सीकरण संख्या नहीं नेमिंग करो, है ना, नेमिंग करने बैठोगे तो ऑक्सीकरण संख्या की ना आपको आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है ना, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना अपने जो कम्युनिटी है कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डाला हुआ है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप वहां पर जाओ, आप चेक करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा सीट ना आपको, ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, वहां से आप जाकर के ना डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अब क्या कि आपको नेम दिया जाएगा और नेमिंग से हम लोग सूत्र कैसे बनाएंगे वो सिखाऊंगा, ठीक है, आओ देखो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जो हमारे पास में टॉपिक है उसका नाम क्या बताओ, हाँ आपको निकालना क्या बताओ, देख अरे सिट, ठीक है, हो गया, ऑक्सीकरण संख्या, अच्छा अब आयुपीएसी नेमिंग, हाँ जी हाँ, आयुपीएसी नेमिंग से आयुपीएसी नाम से संकुल यौगिकों के संकुल यौगिकों आयुपीएसी नामकरण से संकुल यौगिकों का है ना सूत्र लिखना, ठीक है, यौगिकों का सूत्र, ठीक है ना, यहां पर से नहीं आएगा है ना, इसमें आएगा सूत्र लिखना, ठीक है। देखो ठीक है भाई, यहां पर इसमें ये कुछ नहीं, ठीक है ना, इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे यौगिकों का, अरे यौगिकों का, ठीक है, क्या लिखना है बताओ, सूत्र लिखा है नाम से सूत्र, ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस भी हम लोग जो है ना वो एनसीईआरटी के बुक से ही करेंगे, ठीक है भाई, आ जाओ देखो, हमारे पास एनसीईआरटी इधर है, ठीक है, हमारे पास वो क्या इधर कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना, ये रहे, तो अगर हम इनका प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमें करना आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई देखो, तो आपको ना प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है, देखो करो प्रैक्टिस, क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए, क्या लिखे बताओ, सूत्र लिखे, देखो पहला क्या हमारे पास में टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड है ना, देखो टेट्रा क्या बताओ, टेट्रा एमीन, ठीक है, एक्वा एक्वा क्लोराइडो क्लोराइडो, ये हिंदी में लिखा है ना, मैं उसे अंग्रेजी में कर रहा हूं कन्वर्ट, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा आसान हो जाए, एक्वा क्लोराइडो और फिर क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट है ना, फिर इसमें तीन लगा रखा है इन्होंने, है
है ना, तीन तो आप जानते हो क्यों लगाया होगा, है ना। फिर बाद में क्या बताओ, क्लोराइड, क्लोराइड है ना। देखो टेट्राअमाइड, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसके बाद तुम्हें कौन मिलेगा, आयन मिलेगा। वो आयन चेक करो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो मैंने क्या देखा, क्लोराइड लिखा हुआ है। क्लोराइड हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, सॉरी वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है का मतलब जो संकुल ये वाला है पूरा, ये धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक संकुल होगा। ठीक है भाई, तो हम लोग यहां पर पहले ब्रैकेट में क्या लगा लेंगे, देखो इधर हम लोग लगा लेंगे ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु। लिख दिया, सबसे पहले आप लोग लिखो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, पहचान के लिखो। कहां पहचानोगे, इधर मिलेगा आपको लिखा हुआ लास्ट में, ऑक्सीकरण संख्या से जस्ट पहले आपको मिलेगा लिखा हुआ। वो कौन होगा बताओ, वो होगा तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु से पहले कौन होगा, इसमें कोबाल्ट होगा। तो कोबाल्ट हो गया, अब सुनो ध्यान से, जितने भी लिगेंड है उसके नाम को लिख दो। टेट्रा अमाइन है तो NH3 को बोलते हैं अमाइन, है ना। टेट्रा है तो कितना होगा, चार होगा। एक्वा मतलब जल होगा, पानी होगा, और कौन होगा इसमें बताओ, क्लोराइडो होगा। क्लोराइडो मतलब Cl होगा, एक ही तो है इसके अंदर, अब इसमें और कोई लिगेंड है नहीं। ठीक है, तो हम इसे बंद कर देंगे। अब आपको ध्यान से देखना है यहां पर कौन है, Cl कौन है बताओ। अब यहां Cl एक आएगा कि दो आएगा, ये पता कैसे लगेगा, हम आवेश से पता लगाएंगे। देखो ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी है, प्लस तीन है, CO प्लस तीन है, इसका मतलब यह है ऑक्सीकरण संख्या से पता चल गया कि CO जो है वो प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित है। ठीक है, अब अमाइन हो गया, एमीन, एमीन तो जीरो आवेश का होता है, H2O भी क्या होता है, जीरो आवेश का होता है, Cl माइनस एक होता है Cl। अब इसके पास प्लस थ्री है और Cl एक ही है, तो माइनस एक और प्लस का कितना बताओ, तीन, तो आवेश कितना बचा बताओ, माइनस दो, कितना बचा, सॉरी प्लस दो बचा, क्या बचा बताओ, इसका मतलब यहां पर प्लस दो आएगा भाई, प्लस दो बचा ना बचा, तो इसके ऊपर कितना, प्लस दो आएगा। अब इस प्लस दो को संतुलित करने के लिए या फिर कह लो उदासीन बनाने के लिए कह लो, दो माइनस का चाहिए, और दो माइनस का कौन देगा, Cl, तो यहां आपको दो लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई, सिंपल आप ये देख सकते हो ना, तो समझ में नहीं आया फिर समझो, प्लस तीन के ऊपर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, कहां से क्या पता, देखो यहां पर दिया हुआ है ना, NH3 उदासीन होता है, H2O उदासीन होता है, Cl पे कितना है, माइनस एक, तो माइनस एक इसका है, प्लस थ्री पहले से था उसके ऊपर माइनस एक ही हुआ, कितना बचा, दो, दो कहां लगा देंगे, जो बाहर वाला होगा वहां दो लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर प्लस दो आवेश आ रहा है टोटल मिला करके इस संकुल का। ठीक है ना, तो यहां पर हमें दो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, आवेश को संतुलित करने के लिए। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, आ जाओ और करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलता है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंकेट, क्या संकुल है, संकुल का नाम है क्या, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंकेट। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंकेट मतलब जिंक नहीं है, जिंकेट, इससे हम लोग समझ गए कि जो संकुल है वो ऋणायन है। संकुल क्या बताओ, ऋणायन है, तो इस केस में संकुल था धनायन, इसीलिए क्या हुआ, कोबाल्ट का नाम चेंज नहीं हुआ, है ना। सुनो ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या है, पोटेशियम पहले आ गया तो पहले के लिखा जाएगा, पहले इसका मतलब के यहां पर क्या है, धनात्मक है, तो यहां पर के लिखा जाएगा पहले। अब हम लोग यहां पर क्या लेंगे, संकुल आयन के लिए ब्रैकेट लेंगे, गुरु कोशक बोलते हैं इसको। ठीक है ना, देखो अब बताओ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट, यहां पर जिंक आएगा, इसका मतलब जिंकेट है ना, तो जिंक आएगा। अब क्या कह रहा है, हाँ लिगेंड कितना, तो टेट्रा हाइड्रोक्साइड OH कितने है बताओ, चार है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या, अब यहां देखो ध्यान से, ये के जो है एक आएगा कि दो आएगा कि तीन आएगा, आपको ये भी चेक करना होता है। अगर यहां पर दो रहेगा तो भी आप पोटेशियम ही लिखते हो, यहां अगर तीन रहता है तो भी पोटेशियम ही लिखते हो, यहां अगर दो है तीन है चार है तो आप कोई लिखते हो, डाइट्राइटेट्रा नहीं लिखते हो ना, तो तुम्हें कैसे मालूम कि यहां पर दो आएगा कि एक आएगा कि तीन आएगा। हम यहां चेक करेंगे, देखो यहां ऑक्सीकरण संख्या तो कितना है, जिंक प्लस दो में, जिंक किसमें बताओ, जिंक प्लस दो में, कैसे पता,
ऑक्सीकरण संख्या देखो ध्यान से, जिंक का कितना है प्लस दो है, कितना है तो प्लस दो, अगर जिंक का ऑक्सीकरण संख्या है तो अब एक OH का माइनस एक होता है, क्या कुल कितने OH बताओ, यहां चार OH है, कितना बताओ तो माइनस चार होगा। अब माइनस चार को प्लस दो ने करा तो माइनस चार प्लस दो करेगा तो कितना आएगा माइनस दो, इसका मतलब यहां पर माइनस दो, यहां पर कितना बताओ, अब अगर यहां पर माइनस दो आ रहा है तो इस माइनस दो को बैलेंस करेंगे, यहां पर दो आएगा ठीक है, तो के टू आएगा, के टू जिंक पे कोई दो, के टू फिर जिंक हाइड्रोक्साइड आएगा ठीक है ना, ऐसे करके तो ये क्या बनेगा बताओ, इसका सूत्र बनेगा ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आवेश को संतुलित करके ना रासायनिक सूत्र लिखते हैं, किससे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ठीक है ना, नेमिंग दे रखा है तो हम सूत्र इसका आराम से लिख पाएंगे ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ठीक है, देखो नेमिंग करना आपने सीख लिया है ना भाई, बाकी जो है ना आप लोग खुद ही ट्राई करें ठीक है, अपने आप से आ जाएगा ठीक है ना, बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो डाउट को लिखकर बताएं ठीक है ना भाई, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखता हूं क्या टॉपिक है, अगला वीबीटी आ रहा होगा ना, बॉन्डिंग आएगा ठीक है। देखो अब हमारे पास इसमें आ रहेगा बॉन्डिंग, ये रहा अच्छा बॉन्डिंग, यानी कि उपसह संयोजन यौगिक में बॉन्डिंग कैसे करते हैं ठीक है। देखो तो उपसह संयोजन यौगिक जो होता है ना उसमें बॉन्डिंग, सबसे पहले जो बॉन्डिंग समझाया वो किसने समझाया, सबसे पहले बॉन्डिंग समझाया था वर्नर ने, किसने बताओ, हाँ जी हाँ सही, आप सही सुन रहे हैं कि उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिक में आबंधन, क्या बोला मैंने बताओ, आबंधन बोल दिया, तो आबंधन जो है सबसे पहले समझाया किसने, वर्नर ने समझाया ठीक है ना। तो वर्नर ने क्या कहा, वर्नर ने बोला कि हमारे पास संकुल यौगिक होता है उसमें दो टाइप की क्या होती है, संयोजकता होती है, एक होती है कौन सी प्राथमिक, क्या बताओ प्राथमिक संयोजकता, संयोजकता होती है ठीक है ना, यानी हम उसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, क्या बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी ठीक है ना, और एक हमारे पास होता है कौन सा बताओ, द्वितीय संयोजकता, द्वितीय संयोजकता ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है कि नहीं बताओ। तो दो तरह के उसमें क्या होती है, किसी भी संकुल यौगिक के अंदर दो प्रकार की होती है संयोजकता, एक को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है द्वितीय संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है। अब सुनो कि ये एक्चुअली है कैसे, कैसे उसने बताया किसको प्राथमिक कहा और किसको सेकेंडरी कहा, आप लोग यहां तक पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ ही गए हो कि कोई संकुल यौगिक कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या उसमें लिगेंड होते हैं, क्या उसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इतना आपको पता चल गया है। तो अब आपको ना संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता समझने में कुछ खास कठिनाई होने वाली बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने का भरसक प्रयास करूंगा ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको ठीक है। देखो चलिए बोर्ड करते हैं, बोर्ड पे ना देखो हमारे पास जो है वो ये है, सपोज करो मेरे पास यहां पर निकिल है ना, निकिल हो गया, और यहां पर क्या बताओ, यहां मेरे पास है सपोज करो NH3, यहां चार है ठीक है ना, और यहां पर क्या है देखो ध्यान से, यहां Cl2 है ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास है बाहर वाला, इसे बताओ क्या बोलते हैं, और जो लिगेंड लिगेंड, ये लिगेंड है ना यहां पर अंदर, ये जो बाहर वाला होता है इसे बताओ क्या बोलते हैं, पता आपको किसी को, हाँ नहीं पता फिर तुम क्या पढ़ते हैं, अरे बताओ ना, संयोजकता होती ना पढ़ने रखा तुम लोगों ने, बाहर वाले को बोलते हैं क्या, उनको नहीं पता, हाँ नहीं, हम तो संयोजकता की बात कर रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है ना, तुम पढ़ चुके हो ना
बाहर वाले को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, क्या बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकता, ठीक है भाई। और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय संयोजकता, द्वितीय संयोजकता, संयोजकता, ठीक है भाई। सुनो, द्वितीय संयोजकता को हम लोग इससे सॉलिड लाइन से ठोस रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, और प्राथमिक संयोजकता को हम लोग डॉट 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 लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग इसका संरचना बनाएंगे तो कुछ कैसे बनाएंगे। देखो निकिल मेरे पास में है, देखो इसमें कौन है बताओ। देखो द्वितीय जो मेरे पास में है, द्वितीय मतलब द्वितीय जो संयोजकता है उसको हम लोग ठोस लाइन से, यहां पर मैंने देखो ब्लू लाइन से निकाला हुआ है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, NH3। यहां भी क्या लिखेंगे, NH3, है ना, यहां भी NH3 और यहां भी NH3। अब देखो इसमें ध्यान से, प्राथमिक जो संयोजकता है उसको हम लोग डैश 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 लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कौन आएगा बताओ, सीएल, और यहां पर भी सीएल। देखो ऐसे ऐसे हम लोग किसी संकुल को ना क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो बेसको ना इसको मिटा दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ना, देखो इस तरह से। तो मेरे पास क्या है ना, एक संयोजकता प्राथमिक और द्वितीयक पहचानना हमें आना चाहिए, ठीक है। ये हमें या किसने बताओ, वर्नर ने दिया, वर्नर ने। देखो मेरे पास एक और इसके अंदर आ जाएगा, K2 है मान लो, है ना, K2 हो गया। अब यहां पर क्या हो बताओ, यहां पर चलो CO ले ना, CO ले लेते हैं ना, CO ले लेते हैं, यहां पर CN आ गया ना, CN कितना आ गया बताओ, चार आ गया, है ना, CN चार आ गया। और यहां पर हम लोग अब देखो इसमें क्या होगा, हाँ। अब देखो ये जो संकुल है, इस संकुल में देखो ध्यान से, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो मेरे पास सीओ है ना, ये है कोबाल्ट, ये कहां रहेगा, बीच में। अब ये हमारा हो गया द्वितीय और ये हमारा हो गया प्राथमिक, है ना। तो आप सीएन उसमें ऐसे लगाओगे, यानी यहां तो लगेगा नहीं, ऐसे लगाओगे सीएन, ठीक है ना, ऐसे सीएन लग गया इधर, सीएन लग गया इधर, यहां क्या लग गया इधर, सीएन लग गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है, हमारे पास यहां पर माइनस टू रहेगा, है ना, संकुल के ऊपर। और ये जो K2 है ये ऐसे करके नहीं लगाना, क्योंकि ये धातु है, ये क्या है, धातु, ठीक है ना। इसमें केवल द्वितीयक संयोजकता ही है, ठीक है, प्राथमिक इसमें K2 हो सकता है लेकिन हम लोग लेते नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वीपीटी इसके बाद में क्या होता है बताओ, वीपीटी। तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्नर सिद्धांत पर इतना ही बोलता है ना, इसमें कुछ खास तो है नहीं, है ना, कि अलग अलग यौगिक जब हम लोग लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं तो उसके अनुपात पे निर्भर करता है कि वो कौन सा यौगिक बनाएगा, ठीक है ना। चलो चलते आगे, ठीक है। देखो तो वर्नर सिद्धांत के बाद में क्या आता है बताओ, वीबीटी, क्या आता है, वीबीटी, जी हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपको समझना है, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इतने आप हेडिंग गेरो मिलते हैं। चलो वीबीटी की बात करें ना, देखो वीबीटी क्या है यार, वीबीटी जो है ना, वीबीटी की बात करते हैं, वीबीटी टेंथ कह रहा हूं मैं, इलेवेंथ क्लास में आप सिंपल यौगिक में वीबीटी पढ़ चुके हो। वीबीटी क्या कहता है, देखो वीबीटी कहता है कि जो मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सीएमए है, मेटल है, इसका जो रिक्त कक्षक होता है, इसका जो रिक्त कक्षक होता है उसके साथ में किसका, लिगेंड का जो कक्षक होता है, लिगेंड का, वो अतिव्यापन करता है, क्या करता है बताओ, अतिव्यापन करता है ना, अतिव्यापन करता है, ठीक है ना, अतिव्यापन करता है। और क्या करता है बताओ, सहसंयोजी आबंध का, किसका,
जी हाँ, सहसंयोजी आबंध बनाता है, ऐसा वीबीटी कहता है, ठीक है ना। खैर अगर आपको डिटेल पढ़ना है वीबीटी का तो मैंने ही प्लेलिस्ट में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अलगो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो वीबीटी भाई साहब तुम्हारे हैं कौन, जी हाँ वीबीटी भाई साहब जो आपके हैं, वीबीटी भाई साहब के ये रहा, ठीक है। देखो वीबीटी के अंदर क्या होता है, संकरित कक्षक, संकरित ऐसा नहीं, संकरण, संकरण में प्रयुक्त प्रयुक्त कक्षकों के आधार पर, कक्षकों के आधार पर, कक्षकों के आधार पर संकुल दो टाइप के होते हैं, संकुल, संकुल दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कहता है, वीबीटी कहता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वीबीटी बोलता है संकुल दो टाइप के होते हैं, किस पर, संकरित कक्षक, जी हाँ केंद्रीय धातु परमाणु का संकरित कक्षक कौन सा संकरण में भाग ले रहा है कक्षक, उस पर निर्भर करता है संकुल हमारे दो टाइप के होंगे, ठीक है। देखो पहला क्या होता है बताओ, पहला संकुल हमारा होगा बहाय, क्या बोला मैंने, बहाय, बहाय बोलते हैं ना उसको, बहाय कक्षक संकुल, जी हाँ बहाय कक्षक संकुल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्चुअली होता क्या, मैं बताऊंगा भी आपको, समझाऊंगा भी। यह ऐसा एक नाम और है, उच्च प्रचक्रण, क्या बताओ, उच्च प्रचक्रण संकुल, है ना, संकुल। आप जो बोलते हो हाई स्पिन, क्या बोलते बताओ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो आता है उसका नाम क्या बताओ, ना क्या बोलते हैं, आंतरिक, है ना, आंतरिक, तो बाय होता है, ये होता है आंतरिक कक्षक संकुल, कक्षक संकुल, है ना, यानी कि इनर, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। ये दो टाइप के आपके होते हैं, ठीक है, कौन, संकुल। इनर ऑर्बिटल को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या बताओ, निम्न प्रचक्रम, निम्न प्रचक्रम संकुल, यानी कि आप बोल सकते हो इसको लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये होते कौन है, कब हो, कब ये ऐसे होते हैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो अब सुनो मेरे बात ध्यान से, अगर सीएन संख्या, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिखूंगा, ज्यामिति, संकुल का ज्यामिति, है ना, ज्यामिति, सीएन का मतलब सीएन होता है उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या, जो हमारे कोर्स में ना हम लोग कर रहे, हम लोग कर रहे रिविजन। अगर सीएन संख्या चार है तो जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी बताओ, चतुष्फलकीय, है ना, चतुष्फलकीय, ठीक है। अगर पांच हो गया बताओ क्या होता है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, जी हाँ त्रिकोणीय द्विपिरामिड, द्विपिरामिड, ठीक है ना, या फिर हो सकता है वर्ग समतली, वर्ग समतली, ठीक है भाई। अब देखो अगर छह हो गया, अगर छह हो गया, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो ध्यान से, फोर्थ होगी भैया, वर्ग समतली, वर्ग समतली इसमें, अच्छा हाँ पाग द्विपद ना इसमें, या फिर होगा वर्ग समतली, है ना, हाँ चार चार है तो वर्ग बनेगा उसमें, तो वर्ग समतली, है ना। अब देखो ध्यान से इसका वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, वो क्या होगा तो आप देख लो ध्यान से, संकरण sp3 होगा, है ना, इसमें sp3d होगा या फिर dsp3 हो जाएगा, ठीक है ना, dsp3, dsp3 sp3dt, है ना, हाँ ठीक है ना। देखो छह आ गया तो क्या बताओ, अष्टफलकीय, क्या आएगा, अष्टफलकीय ज्यामिति, है ना, अष्टफलकीय होगा कब, d2sp3 होगा या फिर sp3d2, ठीक है ना, ये आपको संकरण पता होना चाहिए।
ठीक है भाई, ये कैसे होंगे, कैसे एक्सप्लेन होंगे ना, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो अब सुनो, आप अब आपको यहां पे ना कुछ लिगैंड के नाम याद रखने, ठीक है ना, आपको यहां पर कुछ लिगैंड देखने हैं ध्यान से। कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो प्रबल होते हैं। अभी लिगैंड होते कौन से वो आप ध्यान से देख लो। देखो मेरे पास क्या, जो ध्यान से इसमें लिगैंड, इसमें कौन कौन है मतलब, इसमें आई है ना, आई माइनस हो गया इसमें। अब देखो ये जो लिगैंड है ना, सुनो देखो ये जो लिगैंड है, ये कुल लिगैंड यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। देखो ये H2O है, H2O से ऊपर जितने भी लिगैंड है सारे दुर्बल, यानी कि ये जो लिगैंड हमारे पास, देखो ये ना आपको पता होना चाहिए ना, जल के बाद EDTA हो गया, NH3 अमोनिया, या फिर आप कह लो पाइरीडीन, इन दोनों की प्रबलता बिल्कुल सेम होती है। ऊपर वाले कौन से होते हैं, WFL बोलते हैं इसको, WFL मतलब वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है ना, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हम लोग कहते हैं ऊपर वाले को, ये जो हो गया, ठीक है भाई। और नीचे वाले कितने भी हैं, देखो ध्यान से आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल हो गया, साइनो यानी कि साइनाइड हो गया, साइनाइडो हो गया, ये नाइट्रिटो हो गया, EN हो गया, पाइरीडीन अमोनिया EDTA और ये NCS है, आइसोथायोसाइनेट, ये सारे स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, यानी कि आप इसे बोलते हो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड आप इसे कहते हो, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रांग है, ये दुर्बल है यानी कि वीक है, ये पता चलता है CFT से। तो जब CFT अभी समझाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये कौन है बताओ, ये EDTA, तो ये आपको ना यार थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन, CO, CN, EN, PY, ये सारे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, प्रबल क्षेत्र लिगैंड बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं बताओ, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है ना ये होते हैं। और ये कौन होते बताओ, ये होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हम इसे कहेंगे, ठीक है ना, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो गया। और एक कौन होगा बताओ, प्रबल क्षेत्र लिगैंड। तो आपको लिगैंड इतना पता होना चाहिए अगर आपको VBT अच्छे से करना है, पेपर में कर करके आना है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां आपको दो चीज और सीखना है, देखो ध्यान से, आपको एक बात याद रखना है कि जब भी WFL होगा, कौन होगा बताओ, WFL होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होगा, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्मित, अभी समझाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। आपको ये याद करना है, रख लो, अगर SFL है, कौन है बताओ, SFL, अरे SFL कौन होता है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड अगर है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, VBT के आधार पे समझाना है, सॉरी, ठीक है। देखो अब सुनो, अब मैं एक यहां पर ना एग्जांपल लूंगा, देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है ये है निकिल, तो पहले CN संख्या 6 वाले लेंगे, क्या लेंगे बताओ, 6 वाले, ऐसा संकुल जिसकी कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि उपसह संयोजन संख्या 6 है, ऐसे संकुल को आप लोग VBT के आधार पे कैसे समझाओगे, आओ देखते हैं ना। देखो अब मान लो मेरे पास यहां पर है निकिल, है ना, और यहां पर क्या बताओ, हाँ यहां पर है Cl6 है कि नहीं भाई, और यहां पर क्या बताओ, देखो यहां पर है 4- क्या बताओ, 4- है ना। अब देखिए इसको मुझे VBT के आधार पर समझाना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, निकिल केंद्रीय धातु परमाणु, इसका निकालो ऑक्सीकरण संख्या, अगर आप निकालोगे तो निकिल का कितना x हो जाएगा ना, प्लस 6 × -1 हो जाएगा बराबर -4, यानी x का मान क्या आ गया बताओ, +2, कितना आ गया +2, यानी निकिल जो यहां पर है वो किस पर है, निकिल यहां पर है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां पर कौन है बताओ, निकिल है। अब करो इसका विन्यास, सब जानते हैं ना ऑर्गन होता है 4s2 होता है ना 3d, बताओ निकिल क्या नंबर पे है, निकिल 28 नंबर पे है,
28 पे ये पक्का 28 पे है या 27 पे? फीको 27 पे, नीकू नीकू यानी कु 29 पर है, नी 28 पर है, तो यहां तो मैं 8 आएगा है ना भाई, यहां पर क्या आएगा 8 तो आएगा। तो अब यहां पर देखो जो है इधर 8 हो गया, यहां 2 हो गया, अब 2 प्लस में है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो पहले s जाएगा, s क्या हो गया बताओ, खाली, s क्या हो गया खाली हो गया, तो इसका जो विन्यास बचा वो क्या बचा 4s0 और 3d8 हो गया। तो अगर मैं इसका बताऊं तो ये ध्यान से देख, 3d लिख पहले, 3d को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पहले s में भरते हैं, लेकिन आप लिख सकते हो किसको पहले, d वाले को, 3d8 हो गया है ना, फिर 4s कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा कक्षक तो कैसे बनेगा, 1 2 3 है ना, देखो 1 2 3 4 हो गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, देखो ऐसे बना लेते हैं है ना भाई, देखो ये बन गया तरह जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, एस कितने एक तो होते हैं, अच्छा तो 3d8 4s0 इसमें 4p भी आता है, p में क्या है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है खाली पड़ा है बिल्कुल p। अब क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 कितने 8 हो गए, 8 हो गए इसमें। अब देखो जो Cl है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेट आता है, ठीक है Cl एक यहां पर आपको लिखना साइड में दुर्बल, दुर्बल क्षेत्र क्या है लिगैंड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा, यह आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ठीक है देखो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नहीं, अब यहां कुल कितने हैं बताओ 6 कौन है इसमें कक्षक है, तो 6 कैसा है देखो, एक तो हो गया इसका है ना, ये हो गया इसका कितना एस का एक हो गया, अब 4d भी आ गया इसमें, इसमें कौन आ गया बताओ, इसमें 4d भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना देखो 4d बताओ d में कुल कितने होते, 5 होते ना, 1 2 3 4 5 हो गए, एस के कितने काम आए, एस के काम आए कुल 1, पी के 3 और डी कितने 2, डी के कितने काम आए 2 है ना। तो देखो ये चीज हम तुम्हें समझा रहे हैं कि VBT ने यही समझाया था, इस प्रकार से बनाओगे ठीक है, तो ये कितना 1 और 3 4 2 6 तो यहां पर क्या होगा इनका संकरण होगा, क्या होगा इनका संकरण, भेजना दूसरा है कुछ, आप ये पहले समझ चुके हैं ना, अगर इसको और डिटेल में सीखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक करो, मैंने पूरा वीडियो बना के गहरा हुआ ठीक है ना, उप सह संयोजन यौगिक के नाम से पूरा चैप्टर है ठीक है, वहां पर मैंने बिल्कुल इत्मीनान से समझाया, यहां पर मैं रिवीजन करा रहा हूं, जिसने एक बार पढ़ रखा है उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा ठीक है। देखो ये क्या करेगा संकरित होगा, संकरण करने के बाद में एक नया कक्षक बनाएगा, एक नया कक्षक बनाएगा ठीक है ना, देखो सॉरी संकुल का ना कक्षक बनेगा नया, तो कुल कितने 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा sp3d2 क्यों भाई d2 क्यों, देखो s का एक हो गया, p के 3 हो गए और d के कितने हो गए 2, तो s का 1 p का 3 और d का 2 अगर कक्षक संकरित होंगे तो आपको मिलेंगे नए कक्षक है ना। देखो अब ये संकरित हो गया तो ये जो बना है कक्षक इसी में लिगेंड आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और फिर बंद बनाएगा है ना। तो यहां पर कौन आएगा, Cl हो गया, इसमें दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl हुआ इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहां इलेक्ट्रॉन दिया इसमें है ना, यहां से इसमें दिया इलेक्ट्रॉन, ये इसने दिया इसको इलेक्ट्रॉन, यहां इसने दिया इसको क्या इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा इस प्रकार से ना, ये इस तरह से देखो पेयर में देंगे इलेक्ट्रॉन, ये जोड़े में देंगे ना यस ठीक है। तो इसमें क्या हो बताओ, इसमें ऐसे बंद बनता है। अब बताओ जो डी कक्षक यूज हुआ वो अंदर वाला हुआ कि बाहर वाला यूज हुआ, अंदर वाला, इसीलिए क्योंकि इस संकुल के अंदर डी कक्षक बाहर का यूज हुआ, हम इसे बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, क्या बोलते हैं बताओ, बाह्य कक्षक संकुल बोलिए, बाह्य बाह्य
कक्षक संकुल, कक्षक संकुल ये आपका होगा, ठीक है। अब अगर बाह्य संकुल है कक्षक, तो देखो ध्यान से इसमें जो इलेक्ट्रॉन वो अयुग्मित है तो ये आराम से घूम पाएंगे, हम इसको बोलते हैं उच्च प्रचक्रण संकुल। क्या बोलेंगे इसको बताओ? हाँ, उच्च प्रचक्रण संकुल, उच्च प्रचक्रण संकुल, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए, प्रचक्रण संकुल, ठीक है भाई, उच्च प्रचक्रण संकुल हमसे कहेंगे। एक बात ये हो गया, इसकी ज्यामिति बताओ कैसे होगी, अष्टफलकीय है ना। देखो इसकी जो ज्यामिति होगी, ज्यामिति इसकी हो जाएगी अष्टफलकीय, ठीक है भाई, अष्टफलकीय ज्यामिति इसकी हो गई। अब चुंबकीय गुण का आपको देखना है, क्या देखना है, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी बताओ, अनुचुंबकीय, चुंबकीय प्रकृति भी बताते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया तो देखो है ना भाई, इसमें ये जोड़े में नहीं इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको डी ब्लॉक में मैंने सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी ब्लॉक के तत्व के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बचता है एक या उससे अधिक, तो हम क्या देते हैं कि वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे आयनों को रखने पर ये तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे बताओ, हम इसे बोलेंगे अनुचुंबकीय, क्या बोलते हैं उसको, अनुचुंबकीय, ठीक है भाई, हम इसे अनुचुंबकीय बोलते हैं, ठीक है, तो ये अनुचुंबकीय हो गया है ना। अब सुनो, अब हम इसमें देखते हैं कि जो अनुचुंबकीय देख लिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाएगा। अब इसमें आता है इसकी संरचना, देखो संरचना अगर आप बनाओगे तो देखो बीच में आप क्या लोगे बताओ, उसमें बीच में आप इसमें लोगे निकिल है ना, और बाकी छह से हम लोग क्या लेंगे, शेयर लेंगे, एक इधर एक इधर, मजा नहीं आया तो ठीक से लेंगे, ठीक है, इधर मजा नहीं आया तो ठीक से लो, देखो एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर है ना, तो सेल सेल लेंगे, ठीक है, आप नहीं लोगे, सेल लेगा, ठीक है, छह लेगा, देखो ऐसे, अब इसको मिला दो, मिल गया नहीं मिल गया, बहुत बढ़िया, वाओ, ठीक है ना, मिलना चाहिए, देखो ध्यान से अच्छे से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ, नहीं मिला तो नहीं आएगा, देखो मिल गया। अच्छा अब अष्टफलकीय है, तो अष्टफलकीय तो भैया ऐसा बनेगा ना संरचना, इसे बाद में मिलाएंगे, ठीक है, इसको इससे मिलाओ पहले, कोने से कोना है ना, कोने से कोना, सटा सटा के मिलाएंगे, ठीक है, सटाई, अब हम तुमको सटाई, ठीक है, इसको तो ऐसे मिलाओ, ये अष्टफलकीय बना, क्या बना ये बताओ, अष्टफलकीय। तो वीबीटी के आधार पे ना आप बिल्कुल ऐसा संरचना बना के बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना, ये तो बताओ सीएल यहां पर क्या था, सीएल यहां पर बिहेव कर रहा था एज ए, सीएल यहां पर बिहेव कर रहा था दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के रूप में, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, बाह्य कक्षक संकुल। एक बार फिर समझ लो, देखो हार्ड नहीं है, यही वीबीटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो संकुल होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, फिर ऑक्सीकरण संख्या को देखते हुए प्लस 2 हो प्लस 3 हो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का विन्यास लिखते हैं और देखते हैं कि जो लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, सॉरी युग्मन नहीं होगा, और अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। अब उसमें कैसे होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, इस केस में क्या देखो, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे भर गए, एस खाली है, पी खाली है, डी खाली है, क्योंकि यहां पर 6 लिगेंड है, कुल कितने बताओ, 6 लिगेंड, तो मुझे 6 ही कक्षक खाली करने पड़ेंगे, तो 6 में से एक एस का हुआ, 3 पी के हुए और 2 डी के हो गए, तो जब डी के 2 हो गए है ना, मुस्कान चेहरे पर है ना, होना चाहिए चेहरे पे मुस्कान से, देखो तो 6 कक्षक मैंने खाली करे, वो जो 6 कक्षक है वो अति व्यापन करके यानी संकरित होकर के एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल यानी कि कक्षक का एक सेट बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं sp3d2, और यही हम लोग कहते हैं इसको बोलते हैं कि संकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बताओ, संकरण, वो क्या है इसका, संकरण है sp3d2, ठीक है ना, ये अति व्यापन से बनता है एक्चुअली, है ना,
देखो आ जाओ, इस तरह कुछ एग्जांपल अभी और लेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से। अब मान लो मेरे पास जो अगला एग्जांपल है वो क्या है, एफ ई सी एन सिक्स, और यहां पर क्या बताओ, थ्री माइनस। देखो ये एक संकुल है, इस ये संकुल भी जो है, ये संकुल हमारा इसमें क्या है, एफ ई सी एन, जी हाँ, सी एन यहां पर क्या बताओ, सी एन यहां पर एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, क्या बताओ, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, जी हाँ प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। वही सबसे पहले काम क्या है तो बताओ, आपको केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जी हाँ। ऑक्सीकरण संख्या जो आप निकालोगे कैसे बताओ, क्या होगा, एक्स मान लोगे इसका, एक सीएन का कितना होता है बताओ, एक सीएन का होता है माइनस एक, गुना करोगे छह से, बराबर इसमें कुल आवेश कितना है माइनस थ्री, उसके इक्वल कर दोगे, ठीक है। देखो ऑक्सीकरण संख्या भाई मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है निकालना बच्चों को, अगर आपको नहीं आ रहा है मैंने आज भी सिखाया है, अगर आपको फिर भी नहीं आ पाया है तो लेक्चर देखो जाकर के, प्लेलिस्ट में निकालो ढूंढो, मैंने पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो आप जरूर जाकर उसको देखें। देखो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस थ्री, कैसे आया आपको पता होगा, मैथ आती होगी थोड़ा बहुत, है ना। चलो देखो भाई, अब ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के बाद हमें करना क्या है, ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के बाद में हमें क्या करना है, एफ ई का विन्यास करना है। देखो प्लस थ्री में है कि नहीं बताओ, 26 नंबर पे होता है, 4s2 मैं बाह्य कक्षक का विन्यास लिख रहा हूं बस, ओनली 4s2 तीन भी कितना होता है बताओ, 6 होता है ना, लेकिन प्लस 3 है तो 2 कहां से गया बताओ, 2 गया किसमें से, 2 गए तुम्हारे s में से, 2 s में से गए और एक d में से गए, है ना, एक कहां से गया बताओ, d में से, तो यहां 0 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप यहां ध्यान से देखोगे तो 3d5 4s0 4s0 4p है कि नहीं। अब अगर मैं इसका कक्षक बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ये आपको कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 हो गए सब कुल, 1 2 3 4 5 भर गए इसमें इलेक्ट्रॉन, भर गए, तो ये 5 है, एस में कुल कितने होते हैं बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन, पी में कुल बताओ, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, कक्षक है ना, पी में कितने होते, कुल 3 है, 1 2 3 हो गया ना, हो गया, एक खाली पड़ा हुआ है। अब हम यहां पे अगर गौर से देखें ध्यान से, तो ये जो है सीएन, ये एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, जी हाँ प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, आप जानते हो सीएन को, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा, मैंने कहा था याद कर लो, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है अगर लिगैंड प्रबल क्षेत्र का वाला है, ठीक है। देखो तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सीएन एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, तो एक, देखो भाई ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, 2 3 4 5 6 हो गया ना, देखो 2 2 4 1 5 5 में खाली बच गया इसमें ना, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, सॉरी 5 थे ना भाई इसमें, कितने थे, 1 2 3 4 5 5, ठीक है ठीक है, तो 6 में से एक निकल गया तो 5 बचे, 5 इलेक्ट्रॉन दो क्या हो गया, युग्मित होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें अयुग्मित। अब देखो इसमें 2 जो कक्षक है वो खाली हो गए इधर, है ना, यहां पर क्या हो बताओ, एस, एस का एक हो गया, और पी में बताओ, पी में कुल कितने, 3 है, यहां पर 4d भी तो हो गया इसमें, सर खैर 4d खाली पड़ा होगा, हमारे काम को है नहीं, कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये जो बचे कक्षक खाली हुए हैं, ये कक्षक तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हारे काम आएंगे किसमें, अतिव्यापन करेंगे, देखो ये करेंगे अतिव्यापन, ठीक है। अब ये अतिव्यापन करके संकरण होगा, क्या होगा, संकरण, और ये एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। देखो इसमें कुल कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 6 होंगे, हाँ 6, 4 5 है भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें 6 नए कक्षक है ना, एस,
देखो अब इसमें क्या हुआ, डी अंदर का यूज हुआ, इससे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि डी बाहर का यूज हुआ था तो बाह्य कक्षक संकुल था वो। इसमें देखो डी जो है ना, जो डी जो है 3D यूज हुआ है, उसमें 4D यूज हुआ था, तो जब 3D यूज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे क्या, आंतरिक एस एस तो बाद में आएगा, D2SP3। जी हाँ, क्या वो बताओ, D2SP3। तो क्या है बताओ, CN यहां इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, फिर CN यहां इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, CN इसमें भी इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। देते हैं बहुत है यार ये, है ना, और देना इसका क्या है काम, ठीक है ना, देते रहना चाहिए, है ना। देखो तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो और एक दो, ठीक है, इस तरह से। तो हुआ क्या इसमें, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए और उसने क्या करा है, उप सहसंयोजी आबंध यहां पर नहीं बनाया, यहां बना है सहसंयोजी आबंध, है ना, अतिव्यापन से बना है। अब यहां पर उन्हीं चार क्वेश्चनों का आंसर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, संकरण, क्या है बताओ, D2SP3, है ना। फिर क्या है इसमें बताओ, ज्यामिति। फिर इसमें आपके पास संकुल के प्रकार, है ना, संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार मतलब कैसे होंगे बताओ, उच्च परचक्रण, उच्च परचक्रण, उच्च परचक्रण संकुल, है ना, या फिर आप इसे क्या एक नाम और देते हो, आंतरिक, आंतरिक कक्षक संकुल, कक्षक संकुल, ठीक है ना, आंतरिक कक्षक संकुल आ गया इसमें, ठीक है। और देखो इसमें ध्यान से क्या होगा, अब इसमें जो आएगा, हाँ ठीक है, ज्यामिति, ज्यामिति कैसे हो जाएगी इसकी, तो जानते हो ना, अष्टफलकीय हो जाएगा, अष्टफलकीय, है ना, तो अष्टफलकीय ज्यामिति हो जाएगी, चुंबकीय प्रकृति आप इसमें लिखोगे सब चीजें, ये अनुचुंबकीय, क्या होगा बताओ, ये अनुचुंबकीय, ठीक है ना, अनुचुंबकीय क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि देखो इसमें क्या है बताओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, एक बार देखो ध्यान से, ये अनुचुंबकीय हो गया ना, हो गया, अष्टफलकीय संकुल है भाई, FeCN6 क्या है बताओ, 3 माइनस अनुचुंबकीय, क्या है ये, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। और तो ये वाला जो है, देखो ये वाला, ये भी क्या है, ये भी अनुचुंबकीय है ना, अब ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अष्टफलकीय, और ये वाला भी अनुचुंबकीय और ये भी अष्टफलकीय, दोनों ही अनुचुंबकीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से अधिक प्रबल कौन होगा आकर्षित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, हाँ जी हाँ, देखो इसमें कितने, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है, अनुचुंबकीय होगा, लेकिन इससे पिछले वाले में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है, कितने बताओ, दो इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है, दोनों अनुचुंबकीय, लेकिन वो संकुल जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन संख्या में है अयुग्मित, वो अधिक अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो और अधिक प्रबलता से चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ना ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाने के लिए, मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिशन की, वहां पर कि बताओ दोनों ही अष्टफलकीय हैं, दोनों ही अनुचुंबकीय है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो अधिक प्रबलता से कौन आकर्षित होगा चुंबक की तरफ, तो आपका आंसर होगा जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वाला होगा वो, यानी आपको ये चेक करना आना चाहिए कि कौन सा जो तत्व है, जो धातु है, जो आयन है, उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है अयुग्मित वाली, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। और अब हम लोग अष्टफलकीय के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे चतुष्फलकीय में, देखो ध्यान से, CN = 4, CN कितना बताओ, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, या तो ये वर्ग समतलीय होगा या फिर क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा, कौन सा होगा ये आपको पता करना आना चाहिए। देखो एक बार ध्यान रखना, ये सिंपल ट्रिक है कि अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ, यानी कि अगर कक्षक 3D यूज हुआ, तो वो हमेशा चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, सॉरी वर्ग समतली होगा, ठीक है, अंदर का यूज हुआ तो, और अगर बाहर का यूज हुआ तो चतुष्फलकीय, ठीक है ना, बस ये इसमें अंतर है। देखो मान लो मेरे पास इसमें एक है, क्या इसमें बेहतरीन से एग्जाम्पल लेते, ठीक है,
देखो मेरे पास है एक तो संकुल है ना, जबरदस्त संकुल यार, कौन है संकुल है? चार वाला है ना ऑक्सी, ऑक्सी नहीं क्या बोलते हैं, उपसहज सहज संख्या चार है ना, चार वाले की बात करेंगे ठीक है। देखो चलो भाई है ना NH3 ठीक है, NH3 क्या है अमोनिया, निकिल और NH3 यहां पे चार ठीक है, यहां दो प्लस, यहां पर क्या बताओ ये क्वेश्चन है, एक बार देख ले है ना ये के, ये यही है कि नहीं है, हाँ भाई यही है ठीक है। लिगेंड चेंज कर दो ना, इसमें लिगेंड जो है हमारे पास CO आ गया, कौन है CO फोर ठीक है। चेक करना है ऑक्सी जैसे नंबर निकालो पहले है ना, यहां लिखो के लिए BBT, के लिए BBT ठीक है ना, इसके लिए BBT की बात हो रही है। देखो ध्यान से सुनो, निकिल मेरे पास में है, इसके ऊपर प्लस दो होगा, कैसे पता, कार्बोनिल यानी कि CO एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है और यहां आवेश है, अगर यहां पर उदासीन ये खुद है तो यहां पर कोई आवेश होगा नहीं, इसका मतलब जो भी आवेश होगा निकिल का वो प्लस टू की वजह से होगा, तो यहां पर निकिल धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना बताओ प्लस दो होगा ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या बताओ, विन्यास करना, निकिल के नंबर पे 28 पे, निकिल भाई 28 पे है ना, तो क्या होगा 4s 2 और 3d कितना 8 होगा, तो जो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन सा जाएगा बताओ, जो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो s का जाएगा है ना, तो जब दो प्लस होगा तुम्हारे पास में, जब दो प्लस होगा तो क्या होगा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या होगा इस पे नहीं होगा है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे 3d 8 लिखोगे और 4s 0 लिखोगे, तो फिर 3p कितना आ जाएगा, सॉरी 4p कितना आएगा इसमें, 4p कुछ नहीं आएगा इसमें, और फिर तो 4d तो अब ध्यान से ये मेरे पास कौन है डी, इसमें डी में कुल कितने होते हैं पांच होते हैं ना, एस में कितने एक होते हैं कक्षक, और पी में तीन होते हैं, तो इसमें आठ आठ भरो इसमें, एक दो तीन रंग चेंज कर देना, अलग अलग रंग से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच हो जाएगा, छ सात कितना हो गए, दो दो चार हो गए, दो छह सात आठ, अच्छा इसमें एक एक और भरना पड़ेगा ना, देखिए सबको आठ भरेगा इसमें, इसमें कुछ है नहीं। अब यहां पर देखो CO क्या होता है, CO एक क्या होता है डबल या सॉरी डबल कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, तो क्या होगा बताओ, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा युग्मन होगा, क्या होगा बताओ युग्मन होगा, अरे नहीं होगा क्या युग्मन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो जब युग्मन होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बचा देखो ध्यान से, जा तो इसमें एक दो है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा एक दो, अब यहां तो इसमें एक खाली हो गया, इसमें एक खाली हो गया है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया, अब यहां डी में कितने बचे, थ्री डी में बचे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक बचे रिक्त कक्षक, और यहां पर कौन फोर एस हो गया, और इधर को ध्यान से कौन आ गया फोर पी है ना भाई, अब ये कक्षक कहां लेंगे, ये कक्षक भाग लेंगे किसने बताओ अति व्यापन में, देखो ऐसे तो एक इधर और तीन और इसका ये इधर, देखो है ना दिख रहा है, संकरण करेगा, क्या करेगा बताओ संकरण, यानी कि ओवरलैपिंग करने के बाद में क्या बनाएगा डी एस पी टू, दिख रहा है डी कितने हुए एक, एस कितना हुआ एक, पी कितने हुए दो, जी हाँ, अगर संकुल के अंदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है प्रबल छिद्र लिगेंड है, तो ये एक जो चार ऑक्सीकरण संख्या सॉरी जो चार उपसहज संयोजन संख्या वाला संकुल है वो डी एस पी टू बनाएगा अगर प्रबल छिद्र लिगेंड है तो, और ऐसे ही जो संकुल बनते हैं वो संकुल क्या होते हैं बताओ, वो संकुल होते हैं वर्ग समतली ठीक है ना, वर्ग समतली बच्चे पहचान नहीं पाते सीएल फोर है फिर भी, तो एक दो तीन चार हो गया इसमें, देखो तो अब सीओ आएगा इसको देगा दो इलेक्ट्रॉन, सीओ आएगा इसको देगा दो इलेक्ट्रॉन, सीओ आएगा कहेगा तू भी ले, सीओ आएगा बोलेगा भैया तू भी ले है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे देंगे है ना,
इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे वैसे करके ना, देखो ऐसे। अब बातें करते हैं फॉरन, देखो इसमें जब युग्मन हुआ तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कैसा नहीं बचा, अयुग्मित। तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति होगा, ठीक है ना। देखो तो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया, ठीक है। अब ज्यामिति की बात करते हैं, ज्यामिति बताओ कैसे हो जाएगी, वर्ग समतली। तो पहचानोगे आपकी वर्ग समतली होगा कब, जी हाँ जब D2SP2 होता है, ठीक है ना। यानी कि जब D अंदर भी यूज होते हैं तब ये होते हैं वर्ग समतली, ठीक है। देखो वर्ग समतली, अच्छा आपको मतलब बताओ चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी इसकी बताओ, चुंबकीय प्रकृति होगी प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। कैसे पता किया मैंने बताओ प्रति चुंबकीय हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल नहीं बचा। और कुछ रहा इसमें नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्या, ये एक संकुल, ठीक है। अब देखो एक मेरे पास और आ जाएगा इसमें CN4 वाला, ठीक है ना, कौन आएगा इसमें मेरे पास संकुल, बहुत ही अच्छा संकुल है, CO कोबाल्ट है, CO CN4, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, दो माइनस, ठीक है। इसको मुझे VBT के आधार पे ना समझाना है कि बताओ ये किस प्रकार का संकुल होगा, ठीक है। देखो अब यहां पर देखा जाए तो ये कितना होगा, एक्स मान लो इसका 4 × -1 करोगे बराबर -2, कितना एक्स, इतना बताओ एक्स आया प्लस, प्लस तो कैसे आ गया भाई, भाई साहब सीओ का नहीं पता आपको ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो एक्स मान लिया, एक सीएल का होता है -1, 4 से गुना कर दिया तो कितना -4 हो जाएगा, और बराबर जो भी आवेश होता है उसे हम इक्वल में रखते हैं इधर, ठीक है ना, इस टाइप से। अब क्या होगा देखो ध्यान से, सीओ का देखो सीओ के नंबर पे 27 नंबर पे ना, सीओ CO हो गया 27 पे प्लस 2 इस पे आवेश है 25 पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 4s पे से गए इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d में तो क्या बचा, 3d में कितना बचेगा भाई, भाई 2 जाएगा तो पहले s में से आएगा ना, तो 2 में से गए तो d में कितना बचा, 7 बचा d में। फीको Fe कितने पे, 26 पे, तो CO कितने पे, 27 पे, तो इसमें 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 2s के बाहर निकले, d के पूरे 7 बचे रह गए, है ना। अब इसमें क्या होगा देखो, विन्यास 4s में तो उसमें कुछ रहा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, 4p में रहे, है ना। देखो अब ये मेरे पास हो गया d कक्षक 1, 2, 3, 4, s में कितने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, p में कितने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, देखो 7 भरेंगे 7 इसमें, तो 7 आप भरोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भर गए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में देखो ध्यान से यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि Cl क्या है, Cl एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, क्या है बताओ, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा ही नहीं तो केवल बाहर के 4 कक्षक ही काम आएंगे, ठीक है ना, बाहर के केवल कितने 4 कक्षक काम आएंगे, संकरित होंगे, संकरित होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अपना एक नया घर, आशियाना बनाएंगे, एक आशियाना तो बनाते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 हो गया इसमें। अब ये sp3d भाई क्यों चतुष्कोण है, बाहर के जा रहे हैं, sp3 क्या रहा बताओ, इसमें इसमें sp3 आ रहा है, तो अब cl आएगा ले तू इलेक्ट्रॉन, cl आएगा ले तू इलेक्ट्रॉन, cl आएगा ले तू इलेक्ट्रॉन, cl आएगा ले तू ले ले, तू भी ले, तू भी ले ना, सब लोग खुश हो जाओ, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी cn संख्या, cn मतलब उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल में अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो संकुल बना ये चतुष्फलकीय बना, ठीक है ना। अब इसकी बात की जाएगी इधर कुछ पॉइंट्स, जो आंसर जो आप लोग करते हो ना हमें वो आंसर तो लिखना होता है ना। संकरण सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं संकरण जो है sp3, ठीक है। ज्यामिति देखो ध्यान से, ज्यामिति
ज्यामिति इसकी हो जाएगी कौन सी, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और जो चुंबकीय प्रकृति होगी बताओ, चुंबकीय प्रकृति इसकी हो जाएगी अनुचुंबकीय। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित, देखो ध्यान से इसमें दो दो है होगी, ठीक है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है इस तरह से। तो ये ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आ जाएगा, ठीक है ना। यहां हमारा खत्म होता है वीबीटी, क्या होता है बताओ, वीबीटी। अगली क्लास में आपको सीएफटी प्लस क्या, हाँ सीएफटी के साथ में अगली क्लास में, यानी कि अगला ना, क्योंकि ये लंबा ना लेक्चर है और मैं आपको डिटेल में ही रिवीजन करवा रहा हूं, तो इसमें एक हम लोग छोटा सा लेक्चर ना और रखेंगे, ठीक है, एक घंटे का लेक्चर और इसमें होगा, ठीक है ना। मैं उसमें समावयवता, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समावयवता और सीएफटी एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा, यानी कि टू लेक्चर में आपका जो है ना ये जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर का आप लोग जरूर वेट करें, और ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो शॉर्ट नोट्स आपने जरूर बना ले, ठीक है। वीबीटी पर मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अगर आपका इतना पढ़ने के बाद भी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है थोड़ा सा, तो आप प्ले लिस्ट चेक करें, और प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है ना उसको डिटेल में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आपसे मिलेंगे अगले एक और अच्छे लेक्चर में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।